हरे कृष्णा हरे कृष्णा डियर डिवोटीज़, सो प्लीज जॉइन अस टुडे। आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। आज हम बहुत ही ब्यूटीफुल वर्स ऑन द रियलाइजेशन ऑफ सुखदेव गोस्वामी पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम में। एंड दिस हेल्प्स अस आल्सो रियलाइज दैट लाइफ इज अ जर्नी एंड वी हैव अ चॉइस। ये हमें समझ में आता है इसको पढ़ के कि लाइफ है वो एक सफर है, राइट? बट इस सफर में हमें सफर नहीं करना है, राइट? सेकेंड सफर इज इंग्लिश सफर, राइट? एंड हम लोग इस जर्नी को आनंद में बना सकते हैं, वी कैन मेक इट प्लेजर फील्ड, और या हम इसको मिजरी से फील कर सकते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ डिफिकल्टीज से। तो ऐसे में हम लोगों के पास चॉइस है कि हम कैसे करना चाहते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा फ्रेंड्स। तो जीव तत्व प्रभु जी आज एक बहुत ही वंडरफुल टॉपिक पे हम सबको नॉलेज शेयर करने वाले हैं कि किस तरीके से हम भगवान के डिवोटी बन सकते हैं, जिससे हमें भगवान का प्रोटेक्शन मिले हर वक्त, एट एवरी स्टेप। क्योंकि हमारा ये जो मटेरियल एग्जिस्टेंस है ना, देर इज़ ए डेंजर एट एवरी स्टेप। सो लेट मी वेलकम ऑल अवर फ्रेंड्स। आप सभी का अभिनंदन है। लैंस कैरेट, हरे कृष्णा, भूपेंद्र सिंह वसावा, रंजना कश्यप, गुरु प्रसाद, अनाजी राव, सतीश वरुले, हरे कृष्णा, राकेश कुमार चाहनी, हरी बोल फ्रेंड्स, उमेश, संजय पांडे, गौरव कोठारी, शफाली सानी, प्रतीक गोहिल, विनोद कुमार एंड ऑल अवर डियर फ्रेंड्स हु आर स्टिल जॉइनिंग। आप सभी का अभिनंदन है। एंड प्रभु जी जिस सब्जेक्ट पे बोल रहे हैं वो सब्जेक्ट हम सभी डील करते हैं, और हमारी अंडरस्टैंडिंग अगर इसके बारे में ज़्यादा डीप होगी, रियलाइजेशन होंगे, तभी हम भगवान की शरणागति प्रॉपर मूड में ले पाएंगे। हरे कृष्णा रजनी अरोड़ा जी, हरी बोल रवीजा, तपस, अंकिता सिद्धू, उमा शंकर, राकेश तेजरा, हितेश, हरी बोल फ्रेंड्स। सो प्रभु जी आई थिंक वी कैन स्टार्ट द क्लास नाउ। हरी बोल। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, प्लीज जॉइन अस फॉर जरा धर्म द प्रेयर्स एंड एवरी एंगेजमेंट दैट वी टेक ऑन इज यू नो टेकिंग आउट द लोटस फीट एंड हाउ डू दे रिप्रेजेंट विल बी स्टडीिंग टुडे एंड गेट अ डीपर अंडरस्टैंडिंग इज व्हाई दिस जर्नी दैट वी आर टेकिंग has filled with so many mysteries and how we can overcome those mysteries and fill it with happiness, with joy. Hare Krishna. Thank you.
हरे कृष्णा फ्रेंड्स, हरि बोल रजनी अरोरा जी, बजरंग बली पांडे, जैक मोंटा दास, सत्यम पांडे, कैलाश कुमार, आप सभी का अभिनंदन है। हरे कृष्णा, विजय सिंह राजपूत, अनुराग कुमार, भाग्यलक्ष्मी, राजेश सोनी, हरि बोल फ्रेंड्स, अनुराग कुमार, द्वारकानाथ हिंदूपुर, करुणा सिंधु प्रभु, हरे कृष्णा। करुणा सिंधु प्रभु जी ने क्वेश्चन किया है कि अराउंड 6:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, विच इज हाफ एन आवर फ्रॉम नाउ, विल प्रभु जी बी आंसरिंग क्वेश्चंस? सो यस डियर फ्रेंड्स, यू कैन सेंड योर क्वेश्चंस एट दैट टाइम इन हाफ एन आवर। आई विल पोस्ट अ मैसेज इन कमेंट्स दैट यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस नाउ एंड प्रभु जी विल आंसर द क्वेश्चंस ऑन प्रोटेक्शन ऑफ कृष्णा, प्रोटेक्शन ऑफ द लॉर्ड फॉर हिज डिवोटीज। ऑन दिस सब्जेक्ट अगर आपको कुछ भी स्पिरिचुअल इंक्वायरीज हैं, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। हरे कृष्णा। Hare Krishna, dear devotees, please join us for Mangalacharan prayers. Together we'll say it. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam. देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्येत् श्रुतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयं तस्थो मे भद्राणि विदुहोति सुहृत्सतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Hare Krishna, please join us in the recitation of the second this verse, chapter this is chapter 14, canto 10, chapter 14, verse 58. Hare Krishna. Friends, this verse has been shared in the description of this post. I have shared this Sanskrit verse with the English meaning. Please look at the description of this post and you will find the verse there. Yes. And Shuddha Goswami, after describing the Brahma Vimohan Leela, he is sharing his realization. So that is an amazing part, because this is Shukdev Goswami, you know, who's the self-realized soul. He is sharing as how Lord Krishna provides protection. Bhagwan hum log ki kaise raksha karte hain, and how he makes our life filled with all kind of blissful things. Hum sabko kaise anand mein tarah se apne lok leke jaate hain. So life is a journey, right? Jeevan hai, wo ek safar hai. It's a journey. And we decide, do we want to follow Lord to make it pleasurable, or do we want to follow Maya to make it miserable? Right? Hare Krishna, please join us in the recitation of this verse. And then after, you know, covering the translation, we'll dive into the subject matter. Samashitaye padapallava pravam mahat padam punya yasho murare भवां बुद्धिर्वत्स पदं परं पदं 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 यत् विपदां न तेषां। Translation by His Divine Grace, the disciples of His Divine Grace, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. For those who have accepted the boat of the lotus feet of the Lord, who is the shelter of the cosmic manifestation and is famous as Murari, the enemy of the Mura demon. The ocean of the material world is like the water contained in a calf's hoof print. Their goal is Parampadam, Vaikuntha, the place where there are no material miseries, not the place where there is danger at every step. Hare Krishna, please join us for Guru Prati. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजना शलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं
यत्कृपातदहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारुणं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा डियर डिवोटीज। So, Hare Krishna, there is a request by a few people that if you can speak in Hindi also. So, friends, Prabhuji, both Hindi or English mein convert karke karne ki koshish karenge. Jahan tak possible hai, Hindi bhi bolenge so that jinko English samajh mein aati hai, wo English mein samajh sake, jinko Hindi mein aata hai, wo Hindi mein samajh sake. Hari bol. Hare Krishna, Priya Bhakti Jano, dear devotees. An important aspect is being बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस किया गया है एंड दैट इज जो जीवन है दिस मटेरियल वर्ल्ड राइट इज फिल्ड विद ऑल काइंड ऑफ मिस्ट्रीज दैट्स व्हाई इसे भव सागर भी कहा जाता है राइट वी कॉल इट लाइक द ओशन ऑफ नेशंस सो इस भव सागर को पार करना है राइट यू वांट टू क्रॉस इट आई वांट टू क्रॉस इट एवरीबॉडी मस्ट क्रॉस इट Why? Because we have been thrown in this Bhavsagar. If we don't cross it, we will drown. And that would lead to further mysteries. So, hum aise mein apne aap ko doobne se kaise bachayein? Thank you. So, aise mein doobne se kaise bachayein? So, how do we save ourselves from drowning? How do we save ourselves from the miseries? To hum apne aap ko ye jo भव सागर में आ गए हैं हम जो भौतिक जगत में आ गए हैं नाउ दैट वी आर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड दिस मटेरियल वर्ल्ड यू नो इज लाइक दिस ओशन एंड द वेव्स आर हिटिंग अस फ्रॉम ऑल साइड्स सो आर वी गोइंग टू स्टॉप एंड से ऑल दिस वेव्स यू जस्ट स्टॉप डोंट हिट मी नो दैट्स द नेचर ऑफ एन ओशन देयर टाइड्स देयर वेव्स एंड सो द वेव्स वोंट स्टॉप द हिटिंग वोंट स्टॉप बट व्हाट कैन सेव अस राइट तेषां महान् समुद्धता मृत्यु संसार सागर सो अगेन मृत्यु मीन्स डेथ एंड दिस संसार इज कॉन्स्टेंटली रिमाइंडिंग अस ऑफ द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ ये क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदशन जन्म यू नो टेकिंग बर्थ मृत्यु डाइंग डेथ एंड देन जरा ओल्ड एज And vyadhi diseases. We all have experiences of, you know, diseases. And believe it or not, as the time passes, we will grow old. So we'll experience old age as well. And these are all evils, right? These are all miseries. These are the miseries that we want to cross. And this is Bhav Sagar, this material world, you know, this why are we suffering? Because of the influence of the three modes of material nature. Sattva-guna, mode of goodness. Raja-guna, mode of passion. Tamo-guna, mode of ignorance. And these three modes, ye aapas mein jo teenon gun hai, Sattva-guna, Raja-guna, Tamo-guna, they are in constant competition among themselves to influence us. They are not fighting with each other. They are fighting on controlling us. We are their puppets that they are trying to control. So sometimes, you know, Sattva Guna is able to control better, sometimes Raja Guna is able to control better, sometimes Tamo Guna is able to control. And in this Kali age, right, Tamo Guna is very powerful, you know, which causes lethargy. And that's why we take shelter of Lord Shri Krishna because wo Bhagavad Gita mein batate hain ki, you know, Bhavami na chirat paatha, mai aveshita chesam. So he is a quick deliverer. So we have to focus on taking his shelter. And this is the focus of this verse. But let's also look at the analogy, the beautiful udaharan there and the example there on Shukdev Goswami. So, dekhte hain ki Bhagwan kaise protection kar rahe hain. Ab hum logon ko experience hai ki jab hum samudra ko dekhte hain, ocean dekhte hain, we see it's a large body of water, right? And there are some people, they are trying to figure out how to cross this ocean. So some people are by knowledge. They say, okay, I can just float through it. But the interesting aspect is, if you swim a little distance, and ocean gets smaller. So if you take a little distance, if there is, you know, current, and if there is, you know, it may drag you inside.
शिला प्रभुपाद एक बार पैसे क्वेश्चन के पास आके बोलते हैं जसन यू लुक वेरी नाइस लाइक सो काम सो एंड सो अट्रैक्टिव डिवोटी से यस आई एम पैराफ्रेजिंग सम ऑफ द सेंटेंसेस तो जब डिवोटीज शिला प्रभुपाद सा मॉर्निंग वॉक पे जाते थे जिस एक्ट्रेस ऑफ शिला प्रभुपाद तो शिला प्रभुपाद ने कहा देखो प्रशांत महासागर को देखो कितना अट्रैक्टिव लग रहा है सबने एग्री किया यस फिर शिला प्रभुपाद ने कहा लेकिन इफ यू विल कम क्लोज टू इट इट विल इमीडिएटली पुल यू इन क्योंकि उसमें अंडर करेंट्स हैं इट कैन पुल यू इन एंड टेक यू विद तो उसके लिए व्हाट इज द सॉल्यूशन तो उसका सॉल्यूशन दिया है इस वर्स के अंदर कि फर्स्ट फिक्स आवर माइंड सरेंडर एट द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा टेक टू सर्विंग हिम बिकॉज लॉर्ड कृष्णा कहते हैं देवी हिरेशम गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेवी प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्तिते ये जो मटेरियल एनर्जी है दिस मटेरियल एनर्जी इज हिज राइट ही इज सेइंग दिस मटेरियल एनर्जी ऑफ माइंड एंड देवी हिरेशम गुणमयी मम माया दुरत्यया मम माया इज हिज एनर्जी एंड दुरत्यया इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस यू नो ओवरकम उसको जीतना बहुत मुश्किल है राइट एंड मामे भी प्रपन्यन्ते जो भी मेरे को मेरी शेल्टर में आते हैं जो मेरे को सरेंडर करते हैं जो मेरी शेल्टर लेते हैं जो मेरे शरणागत होते हैं राइट माया में तम तरंती थे वो वेरी इजिली इसको पार कर जाते हैं तर जाते हैं इस माया में यू नो जो समुद्र है उसको तो उसको कैसे तर जाते हैं ये इस वर्ष में बताया है जॉर्ज मूर को करना है इस वर्ष में तो हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं आइदर वी कैन डू लॉट ऑफ एक्सरसाइज ऑल आवर लाइफ राइट खूब सारा अपना स्ट्रेंथ बढ़ाएं खूब फिजिकली स्ट्रांग करें एंड देन वी डाइव इनटू द ओशन एंड देन वी स्टार्ट टू क्रॉस इट एज यू कैन अंडरस्टैंड टू क्रॉस एन ओशन इट विल टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ राइट बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया बट ओनली वेरी फ्यू ऑफ देम वर एबल टू क्रॉस सम ऑफ द ओशंस ये फिजिकली बता रहा हूँ कि जैसे लाइक लोगों ने तैर के स्विम करके कैसे क्रॉस किया नाउ देयर इज अनदर वे टू क्रॉस द ओशन एंड यू कैन इमेजिन यू जस्ट कंपेयर कि डू यू वांट टू डू लॉट ऑफ एक्सरसाइज लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड देन ट्राई टू क्रॉस द ओशन विद द डेंजर कि कोई भी वेव आपको अनबैलेंस करके डुबा सकती है और यू वांट टू टेक इट टू द क्रूज राइट यू कैन गेट ऑन टू अ क्रूज शिप beautiful cruise ship and a giant cruise ship and all the people on this cruise ship are just all their purpose is they are singing they are dancing they are enjoying wonderful feasts and that is the complete program is of recreation so do you want to join this cruise or do you want to continue to swim so in our life we get second chance And this is the second chance that is being referred to here. It's like we can take this cruise. All we have to do is take the ticket to the cruise. Right? When we take the ticket to the cruise, then we are in this pleasurable journey. So it is not very difficult. That is also given. कि ये तो बहुत ही आसान है कि हमने भाई टिकट लिया क्रूज पे गए और क्रूज पे हर कोई क्या कर रहा है खूब मौज मस्ती कर रहा है इट्स अ प्रोग्राम रिक्रिएशन राइट दैट्स द ओनली प्रोग्राम सब लोग गा रहे हैं नाच रहे हैं आपस में प्रेम पूर्वक बातें कर रहे हैं यू नो प्लेजर गिविंग एक्टिविटीज में लगे हुए हैं एंड दे आर एंजॉइंग वंडरफुल फीस डे इन डे आउट नाउ इफ यू आर इन द ओशन ट्राइंग टू स्विम अक्रॉस वुड यू हैव टाइम टू एंजॉय द फीस नो तो वहाँ पे फीस का कुछ चांस नहीं है व्हाटएवर यू ग्रैब You know, in your swim, में जो भी रास्ते में मिल रहा है उसे grab करके किसी अपने को survive करेंगे आप एंड उसके बाद में फिर उसी काम में लग जाएंगे सो इसको पवर का भी कहते हैं ये जो स्विम करने वाले जो लोग होते हैं दे आर ट्राइंग टू टेक ऑन टू दिस पाथ जो कर्म योगी होते हैं जो अष्टांग योगी होते हैं यू नो दे आर टेकिंग दिस वेरी टफ पाथ वैसे ही कि मैं अपना कर्म करूँगा मैं अपने फल की चिंता नहीं करते हुए क्रॉस करूँगा लेकिन अपने बल पे क्रॉस करूंगा अष्टांग योगी इज ऑल्सो मेडिटेटिंग ऑन द
सुपर परमात्मा पे ध्यान करते हुए अपनी स्ट्रेंथ पे डेवलप करके डिफरेंट डिफरेंट तरह के आसन, कठिन से कठिन आसन करके उसको एक्सपर्टीज करके नाउ दे रियलाइज दैट ओके बाय डूइंग दिस दे कैन ट्रांसफर देमसेल्व्स टू डिफरेंट प्लैनेट्स, अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स में विद इन दिस लाइफ वो लोग ट्रांसफर कर सकते हैं. ईजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, ये श्रील प्रभुपाद ने बुक लिखी थी, उसमें ये बहुत अच्छे तरह डिस करते हैं. बट द ईजीएस्ट जर्नी इज अगर आप क्रॉस करना चाहते हो इस ओशन को, टेक अ क्रूज लाइन, यू नो इन द क्रूज, एंड द क्रूज लाइन हैज शिप्स कमिंग वन आफ्टर अनदर. ऑल यू हैव टू डू इज एक वीक इस क्रूज का हम टिकट ले लेते हैं, सो सच अ प्लेजरेबल जर्नी. एंड दैट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन दिस वर्स, इस वर्स में जो डिस्क्राइब किया भगवान ने वो बताया है कि कैसे उनका प्रोटेक्शन लेते हुए हम इस क्रूज लाइन पे एंजॉइंग, सिंगिंग, डांसिंग, फीस्टिंग, दैट इज द होल प्रोग्राम. And our existence becomes spiritual. Why? Because now we are not in the waters. Because these waters, jo hai na, wo kisko represent karte hain? The three modes of material nature that's constantly hitting. Right? And jab three modes of material nature constantly hit kar rahe hain, but the boat is above them. And you are above, you know, on top of the boat. So you are not affected. Rather, on the cruise, just for fun. Right? So, जस्ट फॉर फन आप कभी कभी स्विमिंग पूल पे चले जाते हैं, राइट, एंड यू टेक अ नाइस स्विम, बट दिस स्विम हैज हीटेड वाटर, एवरीथिंग इज वेरी नाइसली अरेंज, सो ऑल एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन दोज एस्पेक्ट के एवरीथिंग इज प्लेजर गिविंग, एवरीथिंग यू आर एंजॉयिंग. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू यू गेट ऑन टू दिस क्रूज, राइट, हाउ डू यू गेट ऑन टू द क्रूज टू हैव दिस प्लेजरेबल जर्नी. एंड ऑफकोर्स आप बोलेंगे कि ये जो क्रूज है ये मुझे शोर पे लेना पड़ेगा, नहीं वो शोर पे तो नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि हम लोग शोर पे नहीं है, वी हैव बीन थ्रोन इन दिस मटेरियल ओशन, राइट, एंड वी हैव बीन हिट बाय द वेव्स, सो देयर आर पीपल फ्रॉम द क्रूज शिप एज दे आर क्रॉसिंग दे आर सीइंग अस स्विमिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, एंड वो हमको देख रहे हैं कि हम कैसे वेव्स आर हिटिंग अस, किस तरह से हमें वेव्स हिट कर रही हैं, कैसे डिफरेंट टाइप्स के समय पर हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं. ऐसे में दे थ्रो अस दिस लाइफ ट्यूब, राइट, सो द लाइफ ट्यूब दैट इज थ्रोन टू अस, वी हैव टू कैच अप टू दैट लाइफ ट्यूब. सो दिस पीपल दे आर थ्रोइंग ऑन टू दिस लाइफ ट्यूब्स, दे आर लाइक द संकीर्तन पार्टी, राइट, दे आर ट्राइंग टू गेट एज मनी एज पॉसिबल. एंड द इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस क्रूज में देर इज नो लिमिट ऑफ हाउ मेनी पैसेंजर्स कैन बी ऑन बोर्ड. द क्रूज साइज विल इंक्रीज टू अकोमोडेट ऑल द पैसेंजर्स, जो भी जितने भी पैसेंजर्स आना चाहते हैं उनके लिए उसका साइज भी एक्सपैंड हो जाता है, और आना चाहते हैं और आ जाओ, और आना चाहते हैं और आ जाओ, उसमें कोई लिमिट ही नहीं है. सो हम लोग को जब वो फेंकते हैं, राइट, दे सेंड अ लाइफ बोट टू गेट अस, या वो हमारे लिए लाइफ ट्यूब फेंक रहे हैं, तो हमें उस लाइफ ट्यूब को पकड़ना चाहिए. वी शुड होल्ड ऑन टू इट, राइट, होल्ड ऑन टू इट टिल वी गेट ऑन टॉप ऑफ द बोर्ड. बहुत सी बार क्या होता है, इतने थक चुके होते हैं कि बोलते हैं कि वो उसको पकड़ेंगे वेरी डिफिकल्ट, यू नो इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ स्विमिंग. आई नो हाउ टू स्विम, आई डोंट नो हाउ टू कैच, मेरे को तैरना आता है, आई कैन स्विम, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को ये ट्यूब को पकड़ना नहीं आता, और ये ट्यूब से मुझे ऊपर खींचेंगे तो मेरा बॉडी का वेट आएगा, इट्स सो डिफिकल्ट, राइट, तो मुझे जब तक ऊपर नहीं लेंगे तो मैं बीच में भी गिर सकता हूँ. तो इसलिए बहुत सी बार दे प्रोकेस्टिनेट दिस आइडिया, वो उसको यू नो आगे देखते हैं, मैं भी कल करूँगा, मैं भी परसों करूँगा. सो ऐसे ही है, भगवान की भक्ति में लगने के लिए जब लोगों को पूछा जाता है तो बोलते हैं यू नो हम लोग ये तब करेंगे जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब हम रिटायर हो जाएंगे, तो बहुत टाइम है, यू नो उनका बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो आज का काम है वो कल करो, राइट. एक्चुअली कबीरदास जी तो कह के गए हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब. लेकिन इन लोगों का फॉर्मूला बिल्कुल डिफरेंट है, ये लोग सोचते हैं कि यू नो आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है भैया, अब जीना है परसों, यू नो द वर्क दैट वी हैव टू डू नाउ विल डू इट लेटर ऑन, कल यू नो टुमारो, और जो कल करना है टुमारोस वर्क विल डू इट डे आफ्टर टुमारो, व्हाट्स द नीड, यू नो ऐसी क्या जल्दी है. We have to live for hundreds of years. We have to live for unlimited years. और बहुत से लोग ये जब सुनते हैं जीवेरा स्वरूप कृष्ण नित्य दास, तो थोड़ा सरप्राइज रहते हैं कि अरे
We are Dhanaswami, nahin. We are masters. We want to rule over this world. We are important. Ye false ego. Jo aham hai, wo aisa believe karata hai. But in reality, if you see, everyone is serving. Every one of us is serving. You know, mothers, they are serving the kids. Husbands, they are serving the wives. Fathers, they are serving the kids as well. So, hum log constantly serve kar rahe hain. Bahut se log bolte hain, nahin, main to office mein manager hoon, main to CEO hoon. Actually, even in those positions, you are serving your employees. You are serving, you know, your clients, in case of interacting, your customers. You always have that. Koi na koi relationship hogi, aur us relationship ko sustain karne ke liye, usko develop and maintain karne ke liye, aap serve karoge. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो रिलेशनशिप है जो कि आपको इस क्रूज पे ला सकती है उसको भी तो समझना जरूरी है. तो बहुत सी बार नहीं समझते हैं. द इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस कि बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत इजीली समझ जाते हैं कि यार मैं थक गया. ये जो ओशन है इसमें बस मेरे को ये ट्यूब पकड़ लेनी है. एंड ट्यूब भी ऐसी ईजी है कि ऑल आई हैव टू डू इज गेट इनसाइड द ट्यूब. यू नो दिस इज लाइक द ड्रेस वी हैव टू गेट इनसाइड. And this is the mindset. It's all in our mind, right? So when we get inside this life tube, you know, then the tube will pull us. You don't even have to hold it. It's just tight over here on our chest and it's just pulling us up. The only thing is we should not give it up. We should not give it up. And sometimes your mind plays its games. But there are three kinds of miseries. Adhibhautik, Adhyatmik, Adhidevik. Adhibhautik is the mystery coming from other living entities. And Adhidevik jo hai, jo miseries hai, jo difficulties aati hai life mein, these are from demigods, like the natural disturbances, tsunami hai, akal hai, right? Ye jo different kind of floods hai, all these kind of miseries. Pandemic hai, you know, sometimes you can also refer to it, but it's man-made. Adhibhautik is also mixed in here, and then it's spreading by the influence of other living entities. And then adhyatmik, mind. Our mind, what different type of miseries create. If we pay attention, 90% or more is the ones that are created by mind. Jo hamara man hai, woh aise different tarah ke vichar lata hai, ke that is miserable. Constantly lamenting, shok kar raha hai past ke liye, and akanksha rakh raha hai future ke liye. And हम लोग पास्ट में रह रहे हैं या फ्यूचर में रह रहे हैं. प्रेजेंट मोमेंट को खो देते हैं इस चक्कर में. वी हैव टू अंडरस्टैंड वी शुड नॉट लूज द प्रेजेंट मोमेंट. इट्स अ गिफ्ट. और उसको कैसे सार्थक बनाएं, क्या हाउ डू वी मेक इट सक्सेसफुल आवर लाइफ, बाय स्टेइंग ऑन होल्डिंग ऑन टू दिस ट्यूब, बाय गेटिंग इनटू दिस ट्यूब, बाय गेटिंग इनटू द माइंडसेट दैट वी आर इटर्नल सर्वेंट. जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, वी आर इटर्नल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण. तो हमारे लिए ही बेनिफिशियल है अगर हम भगवान की भक्ति में लगे, राइट? ऋषिकेशा ऋषिकेना ऋषिकेशा सेवनम भक्ति उच्यते. सो बाय यू नो एंगेजिंग इन सर्विस, भक्ति में जब लगते हैं तो भगवान ऋषिकेश लॉर्ड कृष्णा जब उनको प्लीज करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे सेंसेस प्लीज हो जाते हैं. वेरी सिंपल प्रोसेस. सो इस वर्स को हम पढ़ेंगे इस हिसाब से आपको समझ में आ गया कि ये जो भौतिक जगत है इट इज अ मृत्यु संसार सागर. एंड देयर आर फोर काइंड ऑफ इल्स लाइक बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज एंड द थ्री काइंड्स ऑफ मिसरीज. हमें इन सारे इविल्स एंड मिसरीज से बिकॉज जो तीन तरह के गुण हैं सत्व गुण रजोगुण तमोगुण उनसे बचने के लिए अपने आप को इस बोट पे आना है. और ये जो बोट है उसके लिए एक माइंडसेट चाहिए, राइट, टू गेट आउट ऑफ दिस material world. And your boat have a transcendental, it is in the waters, but we are not in the waters. The boat jo hai, jo ye cruise hai, ye cruise line hai, jo cruise ship hai, ye pani mein zarur hai, lekin hum ko pani se utha leti hai. So what is this boat, we have to understand. Ye swas hota hai samashita ye pad pallav plavam. Bhagwan Krishna ke जो लोटस फीट है उनको कमल चरण भी कहते हैं. सो जो फीट है दे आर यू नो एज सॉफ्ट एज लोटस बर्ड्स. आपने अगर लोटस बर्ड्स को टच किया होगा, लोटस पेटल्स को टच किया होगा, वेरी सॉफ्ट, वेरी डेलिकेट. एंड इसमें रामायण से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेफरेंस आता है
कि लॉर्ड रामचंद्र जब वो उनके पांव इतने कोमल थे कि जब सीता माता उनके पांव दबाती थी ना तो भी उनको टचेस से भी उनको छूने से भी पेन होता था क्योंकि उनके पांव बहुत कोमल थे और वो जब जंगल में चलते थे तो उनके पांव में कांटे लग जाते थे तो लक्ष्मण जी बोलते थे कि मैं कांटे निकाल दूँ तो राम जी बोलते थे नहीं निकालो तो लक्ष्मण जी बड़े कन्फ्यूज रहते थे उन्होंने पूछ ही लिया कि बड़े भैया लॉर्ड राम आप मुझे ये कांटे क्यों नहीं निकालने देते हैं तो लॉर्ड रामचंद्र बोलते हैं मैं जो भी मेरे शरण में आता है मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ तो ये जो कांटे हैं ये चाहे मेरे को पेन दे रहे हैं लेकिन वो मेरी शरण में है वो मेरे पैरों में है तो मैं उनको कैसे निकालूँ फिर सच इज द स्वीट लविंग नेचर सो दिस इज लॉर्डशिप कि वो अपने चरण उनके चरणों में हम कोई भी शरण ले लें और चाहे हम कितने भी हार्श क्यों ना हो कितने भी डिफेक्टिव क्यों ना हो भगवान हमें अपने शरण में लेते हैं हमें प्रेम पूर्वक रखते हैं हमारा ख्याल रखते हैं सो ही गिव्स अस प्रोटेक्शन ही इज आवर गार्डियन तो इस तरह से हम समझते हैं कि ये जो बोट है इट इज द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण एंड दिस लोटस फीट ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण दिस इज वेयर वी हैव टू टेक शेल्टर तो जब हम बोट पे आएंगे एंड एंगेजिंग इन डिवोशनल सर्विस सो अगेन द इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस कि ये जो बोट है इसका जो टिकट है इट गोज फ्रॉम डे टू डे ऑन अ रेगुलर बेसिस सततम कीर्तयन्तम यततश्च धर्मतः सो टू स्टे ऑन दिस बोट वी हैव टू कॉन्स्टेंटली एंगेज हमें रेगुलरली भक्ति में लगना है अदरवाइज क्या होगा हम अपने आप को ओवरब्रोड थ्रू कर देंगे दिस इज अस राइट वी आर गोइंग अवे एंड अवे एंड अवे तो काफ़ी डिवोटीज हैं सब अच्छे तरह से भगवान की सेवा कर रहे हैं लेकिन हम कभी डिवोटीज से एनवियस रहते हैं कभी हम दूसरों को खुश देख के एनवियस रहते हैं ऑल दीज जो मेंटली प्रोड्यूस्ड जो आध्यात्मिक मिसरीज हैं उनके कारण हम पीछे पीछे होते होते एच पे आते हैं और अपने आप को टॉपल करके बोर्ड से नीचे गिरा देते हैं कहाँ जाते हैं फिर वापस उसी वाटर्स में ओशन में जहाँ पे थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल यानी नेचर हमको फिर तीनों गुरु हम लोगों को कैच कर लेते हैं और फिर बांध लेते हैं फिर वेव्स स्टार्ट हिटिंग अस सो वी शुड मेक एवरी एफर्ट हमें हर तरह से मेहनत करनी चाहिए कि भगवान की भक्ति में लगे एंड ऐसे में भगवान को जो नाम दिया है वो मुरारी का है राइट सो द किलर ऑफ द मुरा डीमन सो अगेन हमारे ऐसे ही हृदय में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डीमन्स हैं इवन ये जो थॉट्स आते हैं लेमेंटेशन एस्पिरेशन दीज आर ऑल्सो डीमन्स दीज डाउट्स राइट दी एंगजाइटीज ये जो हमारे मन में डाउट्स आ रहे हैं जो एंगजाइटीज हो रही हैं हमें चिंता होती है कुछ लोग बोलते हैं कि प्रभु हमें काम भी तो करना होता है हमें अपना जीवन भी तो चलाना होता है नो डाउट भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये नहीं कहा था कि सन्यासी बन जाओ उन्होंने कहा था मैं स्मरण युद्ध अच्छा तो अपनी ड्यूटी करो मेरे को रिमेम्बर करते हुए मेरे का ध्यान करते हुए एंड कल हम लोग पढ़ रहे थे शिला प्रभुपाद के कक्षा में बहुत ही ब्यूटीफुल व्याख्या दी है हाउ वी कैन सर्व लॉर्ड श्री कृष्ण हम लोग को चैंट तो करना चाहिए हमेशा करना चाहिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे लेकिन यू कैन सर्व लॉर्ड शिव आप अपने हृदय में भगवान को यू नो क्लोज योर आइज एंड बिल्ड बोलो मेरे हृदय में आई एम बिल्डिंग दिस अमेजिंग ऑपुलेंट डायमंड स्टडेड थ्रोन फॉर द लॉर्ड शिव एंड ऑन दिस थ्रोन इन माय हार्ट ऑन दिस यू नो ऑन द लोटस ऑफ माय हार्ट इस पे मैं बहुत ही हीरे वाला हीरे से सुसज्जित आभूषणों से सुसज्जित बहुत ही प्यारा सिंहासन बनाऊंगा थ्रोन बनाऊंगा और इस थिंक ऑफ दिस थ्रोन इन ऑन द लोटस ऑफ योर हार्ट एंड दैट यू हैव सीटेड लॉर्ड श्री कृष्ण यू हैव वेलकम लॉर्ड श्री कृष्ण टू प्लीज सिट ऑन दिस थ्रोन नाउ दैट लॉर्ड कृष्ण हैज कम राइट जस्ट लाइक अ गेस्ट कम्स यू आर वॉशिंग हिज फीट विद गैंजेस वाटर विद यमुना वाटर विद द वाटर ऑफ ऑल द यू नो वंडरफुल रिवर्स गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नवरे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु वी से दिस प्रेयर्स टू प्लीज इन टू इनवोक ऑल दिस मदर्स द रिवर्स इन द वाटर सो यू आर वॉशिंग हिज फीट यू नो नाउ यू आर ड्रेसिंग द लॉर्ड शिव विद वंडरफुल गारमेंट्स सो यू आर यू नो चेंजिंग हिज ड्रेस
यू आर फीडिंग द लॉर्डशिप प्रिपेयर नाइस भोगा प्रसादम एंड ऑफर इट टू द लॉर्डशिप नमो ब्राह्मणाय देवाय गो ब्राह्मणाय हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो माय डियर लॉर्ड प्लीज एक्सेप्ट दिस प्रसादम दिस भोगा दैट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू एंड फिल इट विथ योर मर्सी बिकॉज द मोमेंट ही टचेस इट इट बिकम्स ट्रांसेंडेंटल और हमारे लिए वो प्रसाद बन जाता है और भगवान को यू नो अच्छी तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बेवरेजेस दो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग राइट यू आर जस्ट बिलीविंग दैट माय डियर लॉर्ड यू आर क्लोजिंग योर आईज एंड यू आर गिविंग ऑल दिस टू द लॉर्डशिप यू आर सर्विंग लॉर्डशिप यू आर प्रेसिंग हिज फीट यू आर प्रेसिंग हिज आर्म्स यू आर फैनिंग द लॉर्डशिप यू आर कॉलिंग हिम आउट एंड बाय विद ग्रेटफुलनेस यू आर प्रेइंग टू हिम राइट शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग दिस इज वेरी इजी श्रील प्रभुपाद सेज एनीबॉडी कैन डू दिस ऑल यू हैव टू डू इज क्लोज योर आईज एंड अपने हृदय के कमल पे भगवान को सिंहासन थ्रोन पे बैठाते हुए सुसज्जित सिंहासन यू कैन थिंक द बेस्ट थ्रोन दैट यू कैन थिंक ऑफ स्काई इज द लिमिट एंड दैट वे यू कैन वेलकम द लॉर्ड एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड by you know washing his feet express your gratitude by dressing him nicely express the gratitude by making an offering bhagwan ko is tarah se jab hum serve karte hain to kya hota hai uska asar then we are in vaikuntha we rise to vaikuntha hamara jo pura memory hai hamari intelligence everything is spiritualized everything is on this boat of this you know on this cruise line on this cruise ship and we are above the theme of material nature material energy does not disturb bhagwan kehte hain ki one who takes shelter of me you know he can easily cross over this material energy kyunki material energy ka size kya ho jata hai jo ocean hota hai uska size hota hai cast footprint jo bachra hota hai na usse jo footprint hota hai utna bada utna jara sa hoga usko to koi bachcha bhi cross kar sakta hai it's very easy but usko kaise cross karte hain by taking the ticket to the cruise ship right and getting onto the cruise ship so by taking the ticket is when we see that devotees are approaching us hame hari naam mein laga rahe hain aise mein hum logo ko you know usse catch karna chahiye apni taraf se we should be calling out save me agar koi sahi mein ocean mein tair raha ho aur thak gaya ho aur bahut pratarit ho means he is suffering If he sees a cruise ship, he will shout to the top of his voice, save me. But the interesting thing is, which is material energy, you know, it makes us believe that we are comfortable. And then, it hits us hard and we say, oh, I should have taken that opportunity. By that time, it is too late. So, as a man, we should take shelter and not stay in this material world. We should go to Vaikuntha, we should ride on this cruise ship and enjoy with other devotees right we should go to Vaikuntha so by taking shelter of this cruise ship Shivdev Goswami keh rahe hain ki hum log jab cruise ship pe chal jate hain aur us pe bhagwan ki bhakti mein lag jate hain to hum log Vaikuntha ko prapt hote hain we are not at this place where there is danger at every step so this is a very beautiful verse jo Shivdev Goswami apne realization se bata rahe hain Parikshit Maharaj ko ki kaise We can by taking shelter of Lord Shri Krishna but with the chanting of the holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. You know, we can invoke Lord's protection and Bhagwan ke protection mein, we can go back to Vaikuntha while in this body, while in this life, because the whole program is to spiritualize our existence, right? And have spiritual experience. Hare Krishna, and not stay at a place where there is danger at every step. Padam, padam, yata vipadam datesha. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. So, ab hum kuch questions and answers le sakte hain. Yes, Do we yes. have some time? Yes. Okay. Hare Krishna, friends. आप सभी का स्वागत है अभिनंदन है मेनी फ्रेंड्स हैव जस्ट जॉइंड विश्वनाथन विशु गीता पूजू गुरंग गौर हल्दर प्रफुल कुमार वीना कॉल हरे कृष्णा फ्रेंड्स प्लीज़ पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट्स एरिया एंड आई विल रीड आउट योर क्वेश्चंस टू प्रभु जी विल आंसर योर क्वेश्चंस कि भगवान की शरण हम कैसे ले सकते हैं ये जो उन्होंने अभी क्लास दी है जो वर्स कवर किया है श्रीमद् भागवतम से इट इज़ अबाउट दिस
सरेंडर या शरणागति प्रोसेस, जिससे कि हमें भगवान प्रोटेक्शन देते हैं इस मटेरियल लाइफ में, ताकि हम लाइफ का गोल अचीव कर सकें। हरे कृष्णा बाबू, अमित पटेल, रमेश ठाकुर, प्राची विकी शर्मा, हरिबोल, देवी किस, वत्सल मोद, आयुष तिवारी, हरिबोल, हरे कृष्णा, लेट मी गेट दिस क्वेश्चन, राजशेखरन, रामकृष्णन, रेणु शर्मा, हरिबोल प्रभु। सो प्रभु जी, लोग जब नए डिवोटीज आते हैं और शुरू में ये शास्त्र पढ़ते हैं जिसमें भगवान की टीचिंग्स हैं अर्जुन को कि शरण लेनी चाहिए, तो उनके लिए कुछ समरी में पॉइंट्स अवेलेबल हैं कि ये सरेंडर प्रोसेस में क्या होता है, सरेंडर कैसे करते हैं भगवान को? हरे कृष्ण। सो यस, देयर इज अ ब्यूटीफुल वर्स, यू नो, एंड शिला भक्तिविनोद ठाकुर, ही डिस्क्राइब्स द सिक्स लिम्ब्स ऑफ सरेंडर इन दिस वर्स। शरणागति इसको उसको रिफर कहता है, और डिवोटीज उसको कूल मंत्र की तरह से बोलते हैं कि ऑल कूल ड्यूट्स, यू नो, कीप दिस मंत्र वेरी क्लोज टू देयर हार्ट। एंड The way it goes on is Anukulyasya Sankalpa Pratikulyasya Varjanam Rakshishyati Te Vishwaso Gopatitve Varnam Tatha Atmanikshepa Karpani Shadvida Sharanagati Anukulyasya Sankalpa। Hum accept wo karein jo ki favorable ho devotional service ke liye, right? Accepting what is favorable for devotional service, Pratikulyasya Varjanam, and reject karein, you know, wo cheeze क्योंकि अनफेवरेबल है डिवोशन सर्विस के लिए। सो रिजेक्ट दोस थिंग्स दैट आर अनफेवरेबल फॉर डिवोशन सर्विस। रक्षिष्यति इति विश्वास, ये फर्म बिलीफ होना कि भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे, राइट? ये विश्वास होना चाहिए हमें। सो हैव फर्म फेथ दैट लॉर्ड विल प्रोवाइड अस प्रोटेक्शन। गोपतित्वे वरं तथा, एंड टेकिंग द गार्डियनशिप ऑफ द लॉर्ड, दैट लॉर्ड इज आवर फादर, लॉर्ड इज आवर मदर, लॉर्ड इज आवर परम पिता, राइट? And Atmanikshepa. Atmanikshepa means surrendering our very self, everything that we have received is coming from Lord Shri Krishna. Even we are coming from Lord Shri Krishna. We are His Vibhinnamshas, right? So that way He is our, you know, He is our Father. So we should be in that mood serving. We serve our Father in this life when we get the body from our Father. So again, we should surrender everything for His pleasure. We should work for His pleasure. And in what mode? Karpaniya, with humility. So these are the six limbs of Sharanagati. Accepting everything. And then, Lord Krishna says in Bhagavad Gita, Sarva dhammam parityajya mam ekam sharanam vraja aham tvam sarva papebhyo mokshishashvi mahashucha। To give up all varieties of religion, हम लोग बहुत different type of mentally concocted religion भी accept करते हैं। हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, उसको कोई reference नहीं देखते हैं, बस ये देखते हैं कि सामने वाला ये कर रहा है तो हमें वो करना चाहिए। And sometimes the person has gone on a wild goose chase, so we go on a wild goose chase, thinking कि यही solution है। और जबकि भगवान कह रहे हैं कि give up all varieties of religion and मामेकम शरणम व्रज, जस्ट टेक शेल्टर ऑफ माय लोटस फीट। लॉर्ड कृष्ण के लोटस फीट का हमें शेल्टर लेना है, दैट इज द की एस्पेक्ट। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, भगवान कह रहे हैं कि वो हमारे सारे दुखों से, जो भी हमारे पाप के जो रिएक्शंस हैं, जो भी रिएक्शंस हमारी लाइफ में हैं, उन सब से हमें डिलीवर करेंगे, उन सबको हटा देंगे, उन सबको मिटा देंगे। महाशुचा मोक्ष शाश्वी महाशुचा, एंड ही से दैट just, you know, do not fear, don't be in anxiety, do not worry। हमको assurance दे रहे हैं, हमारे को इस तरह से भगवान बहुत अच्छी तरह बताते हैं। और फिर लोग पूछते हैं कि you know these six limbs जो है उसको कौन practice कर सकता है, that is another aspect, right? So there is a, normally when people ask this question there is a follow up question, और ये follow up question बोलते हैं कि कौन इसको follow कर सकता है, ये जो six limbs of शरणागति है कौन इसको follow कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो आप देखिए, आप इस कैटेगरी में आते हैं क्या? अकाम सर्व काम होगा मोक्ष काम अवदार तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम पर। सो पीपल हु हैव नो डिजायर्स फॉर सेंस एंजॉयमेंट अकाम, राइट? ऑल द वे टू द पीपल हु हैव सर्व काम होगा, राइट? सो इट्स अ कंप्लीट बैंड ऑफ पीपल जिनको ऑल काइंड ऑफ डिजायर्स हैं टू एंजॉय देमसेल्व्स और टू एंजॉय विद अदर्स। तो अगर आप इस रेंज में,
मोक्ष का अवतार थी एंड देन द थर्ड कैटेगरी जो कि यू नो वांट्स टू गेट लिबरेटेड जो मोक्ष चाहते हैं जो लिबरेशन चाहते हैं दिव्रेणा भक्ति वगैरह ये सारी कैटेगरीज के जो लोग हैं ये दिव्रेणा बीइंग ग्रेट एंथुसियाज्म भक्ति योग में रखते हैं भगवान के डिवोशनल सर्विस में स्टार्ट्स विद द चैंटिंग ऑफ द होली नेम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे ये जते पुरुषम परम किसके डिवोशनल सर्विस पुरुषम परम परम पुरुष लॉर्ड श्री कृष्ण हरे कृष्णा होपफुली दैट आंसर्स द क्वेश्चन यस प्रभु जी सो आपने बताया सरेंडर करने के 6 स्टेप्स हैं और भगवान ने भगवद गीता में भी बोला है कि अबेंडन ऑल वैराइटीज ऑफ रिलीजन हमें आलतू फालतू की एक्टिविटीज का त्याग करके भगवान की शरण लेनी चाहिए भक्ति करनी चाहिए और हमारे सिंफुल रिएक्शंस की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि भगवान का प्रोटेक्शन है तो प्रभु जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे पहले हम जरा अभिनंदन कर लें जो फ्रेंड्स ने अभी अभी ज्वाइन किया है फ्रेंड्स प्रभु जी शरणागति टॉपिक पे आज क्लास दी है प्रभु जी ने और उस पर वो क्वेश्चंस ले रहे हैं अगर आपको अपने स्पिरिचुअल लाइफ से कोई भी क्वेश्चंस हो अभी आप यहाँ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस एंड आई विल रीड देम मैं प्रभु जी को पढ़ के सुना दूंगी और वो आंसर देंगे सीमा मिश्रा हरे कृष्णा वेंकटेश मुधिराज लितन देवनाथ दीपा मल्होत्रा राजन पांडे सरला घिमरे हरे कृष्णा फ्रेंड्स शिभद्रा प्रियदर्शी ग्रतीश कल्पना वमन खेमी ज्योतेंद्र रोशन रजनी बोराद सुनील सवलागी हरे कृष्णा आप सभी का अभिनंदन है गुरिया कुमारी डॉली प्रभु जी सरेंडर टॉपिक पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान हमें फोर्स क्यों नहीं करते हैं सरेंडर करने के लिए वो हमें सफ़र क्यों करने देते हैं मिजरीज क्यों देखने देते हैं अगर भगवान ही हमारी इंटेलिजेंस पलट दें कि हम सरेंडर कर लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्या हरे कृष्णा नाउ आप किसी को प्रेम करते हैं तो आप उसको फोर्स करना चाहेंगे क्या नहीं राइट दैट इज हिज अफेक्शन उन्होंने हर जीव को एवरी लिविंग एंटिटी को उन्होंने माइन्यूट फ्रीडम दी है तो उन्होंने फ्रीडम दी है हम लोगों को कि हम चूज करें हम क्या चाहते हैं हम उनको फॉलो करना चाहते हैं या हम माया को फॉलो करना चाहते हैं हम अपना ये जो फ्री विल है उसको किस तरह से यूज करते हैं और क्योंकि ही डज नॉट वॉन्ट अस लाइक रोबोट्स अब रोबोट्स के आप क्या रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं आप रोबोट को आप बोलते हैं ये करो तो वो कहता है ये करो तो आप कुछ समय में आप उब जाएंगे बिकॉज there's no genuine relationship, right? It's one way only. Master kehta hai, robot kehta hai. That is not relationship. That's not loving relationship. Loving exchange is filled with emotions. It's filled with feelings. It's a heart-to-heart interaction. And uska jo pleasure hai, uska jo anand hai, wo hum log is bhautik jagat mein we get a perverted reflection of that. थ्रू वेरियस रिलेशनशिप जो हमारे होती हैं हमारे पेरेंट्स से जो रिलेशनशिप होती है एंड फॉर पीपल हुआ पेरेंट्स उनके बच्चों से जो उनकी रिलेशनशिप होती है छोटा सा बच्चा आओ आओ भी करता है पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है लाइक ओ एंड देन इफ समबडी द यू नो व्हेन द किड्स स्टार्ट स्पीकिंग दे आर नॉट मेकिंग एनी सेंस बट यू नो दे आर मेकिंग डिफरेंट साउंड्स पेरेंट्स आर एंजॉयिंग राइट रोबोट को करा तो रोबोट विल ओनली स्पीक व्हेन यू आस्क इट टू स्पीक And then it will speak what you want it to speak. But this is a beautiful exchange. And bacha bahut se actions karta hai. Every day people relish, right? Aise brothers ek dusre ko embrace karte hain, ek dusre ka haal chaal poochte hain. Ek loving exchange hai usme. And loving exchange jo hota hai na, enhance hota hai the 6 set of activities se, which appear in 3 pairs. So devotees isko observe karte hain. This is the actual basis of establishing ISKCON. Srila Prabhupada ne jab ISKCON ko establish kiya tha, unhone kaha tha that this is to allow loving exchanges between devotees. Kyunki hum jab Bhagwan ki seva kar rahe hain, to we are doing it as a community, right? As a society. So again, from that feeling, what are these 6 exchanges? Dadati prati gahanati. Dadati prati gahanati means accepting gifts and giving of gifts. Grahan karna, accepting gifts and giving of gifts is dadati.
गुह्यम आख्याते पृच्छति टू इंक्वायर एंड डिस्कस कॉन्फिडेंशियल मैटर्स नाउ व्हाट आर द कॉन्फिडेंशियल मैटर्स लॉर्ड्स पास्ट टाइम्स हिज नेम फॉर्म एक्टिविटीज पास्ट टाइम व्हेन वी ग्लोरीफाई दोस टुगेदर दैट दोस आर एंड डिस्कसिंग अबाउट लॉर्ड डिस्कसिंग अबाउट आवर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हम इस तरह से सोचते हैं लोग भुंजते भोजते च एंड गिविंग of food stuff and accepting food stuff. These are the ones that enhance our relationship, right? These are the Priti Lakshana. Dadati Prati Gainati Bhayam Akhyati Prachiti Bhunjate Bhujate Chaiva Charvita Priti Lakshana. So these are the six ways we can enhance our loving relationships. Hare Krishna. हरे कृष्णा. तो प्रभु जी ने बताया कि भगवान हमें अपनी विल हमारे ऊपर फोर्स सरेंडर करने के लिए हमें फोर्स इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम अपनी स्वेच्छा फ्री विल से भगवान की भक्ति करें क्योंकि रियल एसेंस भक्ति का उसी में है. और प्रभु जी ने हमें ये भी बताया कि भक्ति की लाइफ में सिक्स लविंग एक्सचेंजेस प्रिस्क्राइब्ड हैं जिनको करते हुए हम बहुत ही अपनी फ्री विल को इस तरीके से वो कर सकते हैं डव टेल कर सकते हैं भगवान की विल के अराउंड. सो प्रभु जी नेक्स्ट क्वेश्चन है सरेंडर का. इस शरणागति के टॉपिक पे देर इज़ वन मोर क्वेश्चन कि अगर कोई सरेंडर करता है हाउ डू दे नो दैट कृष्णा हैज़ एक्सेप्टेड. सो अगेन वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इज दैट when you engage in devotional service, right, and you are getting attracted towards Krishna, जब आप भगवान को प्रेम पूर्वक भक्ति कर रहे हो भगवान के तो आपको अपने आप भगवान साधु संघ की तरफ प्रेरित करते हैं आपको एनकरेज करते हैं कि आप साधु संघ में रहो. डिवोटी एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और जब आप साधु संघ में रखते हो भगवान के बारे में श्रवण करते हो श्रवण द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म देन आपको बहुत एनहेंस होता है और आपकी लाइफ पीसफुल हो जाती है. आपको समझ में आता है कि भोक्तारम यद तत्त्वं सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति. सो आपकी जो एंग्जाइटीज हैं आपके जो फियर्स हैं आपके जो डाउट्स हैं वो स्लोली स्लोली दे स्टार्ट वैनिशिंग. आप समझते हो कि भगवान जो है ही इज़ द ट्रू बेनिफिशरी ऑफ ऑल sacrifices, भोक्तारम यज्ञ तपसा. वो भोक्ता है सारे यज्ञों के सारे तपों के, right? जो भी हम austerities करते हैं. And we realize that Lord is accepting us, हमें भगवान स्वीकार कर रहे हैं by taking away. Means it's not that the miseries are going away, but we are not suffering. We get the power, we get the energy then directly from Him and from the devotees. To face the challenges in life, just like Arjun, वो bewildered हो गया था. विषाद योग में बताया जिस तरह से Arjun was completely perplexed, लेकिन भगवान ने उसको रास्ता दिखाया. उस तरह से फिर वो अपनी position as a क्षत्रिय as a योद्धा establish हुआ. उसने fight किया and he crossed over this ocean, right, at Kurukshetra. The battle at Kurukshetra was like an ocean. The army of Kurus was like an ocean. 11 Akshayini armies, millions of people, warriors, and he was able to cross because Bhagwan ne usko rasta dikhaya. Aise hum log bhi easily cross kar sakte hain. So it is up to us to take to it, Hare Krishna, and see, constantly seek to become dear, to serve Lord, Hare Krishna. हरे कृष्णा. तो जो क्वेश्चन था कि हाउ डू वी नो कि भगवान ने हमारा सरेंडर एक्सेप्ट किया है, तो उस पर प्रभु जी ने बताया कि अगर हमारी लाइफ में हम चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं, वी आर बिकमिंग मोर पीसफुल, और हमारे पास टीचिंग्स हैं भगवद गीता की, शास्त्रों की, डिवोटी एसोसिएशन, इन सब चीज़ों से हमें बहुत हेल्प मिलती है, रियलाइजेशन होता है, हमें पता चलता है कि हम भगवान की शरण में हैं और भगवान ने हमारे एफर्ट्स एक्सेप्ट किए. सो हरे कृष्णा. देर आर मोर पीपल ज्वाइनिंग. फ्रेंड्स, प्रभु जी इस वक्त आपके क्वेश्चंस ले रहे हैं. आपको जो भी स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हों आप इस वक्त कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं. प्रभु जी विल आंसर योर क्वेश्चंस. मनाश रॉय, तुषार तंतुबाई, देवदूत घोष, मनाश रॉय, अश्नानी प्रसाद, प्रणथा देवी, उर्मिला दहल, रूपा शर्मा, अभिजीत अवद्या,
जी प्रसाद यादव, चंद्रलेखा सिंघल, सिदेश, हरे कृष्णा फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभु जी कि सरेंडर के प्रोसेस में भक्ति करने का विधान है और भक्ति करते हुए हमको रिकमेंड किया जाता है हम चैंटिंग करें, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करें, जैसे इंटॉक्सिकेशन नहीं लें, गैम्बलिंग नहीं करें, इलिसिट सेक्स नहीं करें, मीट ईटिंग ना हो। तो इंटॉक्सिकेशन में टी कॉफ़ी भी आ जाता है, तो ये टी कॉफ़ी गिव अप करने में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है शुरू में, तो उसके लिए क्या रिकमेंडेशन है? अगेन बहुत से लोग सारी चीज़ें छोड़ सकते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि टी कॉफ़ी छोड़ना बहुत मुश्किल है, बिकॉज़ ये जो टंग है ना ये बहुत ही स्ट्रांग है। तो ऐसे में हमें अपनी जीवा को प्योरीफाई करना चाहिए, राइट? एंड देयर टू सिंपल प्रोसेसेस, हमें अपनी जीवा को, हाउ कैन वी प्योरीफाई आवर टंग व्हिच इज द स्ट्रांगेस्ट ऑफ द फाइव नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, एंड ऑल्सो इट लाइक्स टू वाइब्रेट, राइट? गॉसिप में बहुत लगती है। तो हाउ डू वी कंट्रोल आवर टंग from also as a karmendri, as a you know working sense. So Vacharya ne bahut hi simple process hota hai. First is to take to the chanting of the holy name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So when we chant the holy name, Bhagwan ke jo naam jab kar rahe hain, to aise mein the chanting, the vibration of the chanting, Lord is dancing on our tongue. So in the touch of the Lordship, who is transcendental, the tongue gets purified. Second is to accept prasadam. Prasadam, the foodstuff, the remnants that has been offered to the Lordship. So that those remnants that we accept, ye humko purify karte hain, in tongue ko purify karte hain. So in this way, we can constantly also pray. Again, prayers are powerful, we all know. Then, my dear Lord, I am so fallen that I don't have the capability to give up tea and coffee. But please give me the ability so I can give up these bad habits, because they cause intoxication, and intoxication is the mode of ignorance, and that is darkness, right? So in mode of ignorance and darkness, we keep falling down and we suffer a lot. So we want to pray, and then we become very active. Now there are wonderful alternatives also, right? We can take hot beverages, you can take milk, right? It's called miracle food, right? दूध पी सकते हैं आप, और आपको और ज़्यादा चाहिए तो बहुत different different type के fruit juices होते हैं, pineapple juice है, mango juice है, या mango shake है, orange juice है, इस तरह के different different varieties के आप beverages पी सकते हैं, and there is no you know shortage on the variety. But at the same time, sometimes people find it difficult, so we should pray also. We should take prasadam, and we should pray, and we should chant. Hare Krishna. Hare Krishna. So, there was a question, ki tea, coffee, kai aadat kaise chhod sakte hain, kyunki wo regulative principles mein hai. तो भक्ति में अगर हमें आगे प्रोग्रेस करना है तो उसका आंसर प्रभु जी ने बताया अच्छा सा कि हम कुछ स्ट्रेटजीज फॉलो कर सकते हैं, जैसे गर्म दूध और दूसरे गर्म ड्रिंक्स ले सकते हैं, पर सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें भगवान से प्रे करना चाहिए। अगर हमें कोई भी दुर्व्यसन छोड़ना है या हैबिट छोड़नी है जिसके कारण हम भक्ति पर प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें भगवान से प्रे जरूर करना चाहिए, और चैंटिंग सबसे बड़ी प्रेयर है। हरे कृष्णा। और बिफोर नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी टेल फ्रेंड्स कि आप इस वक्त क्वेश्चंस ले रहे हैं, फ्रेंड्स अपने क्वेश्चंस कमेंट्स में डाल सकते हैं, प्रभु जी आंसर कर रहे हैं। अदिति, हरे कृष्णा, शिव शक्तिपीठ, जॉय साहा, सुनील गौतम, शीजा संतोष, हनुमान प्रसाद, शालिनी यादव, हरीश, तेजस, हरे कृष्णा फ्रेंड्स, शैलेंद्र राणे, महेंद्र पाटिल, नरेश नेहते, रीता जगमोहन, रीटा हरी बोल, नमस्ते रीटा जी, भरत भूषण, लौरा, मनोज, हरे कृष्णा फ्रेंड्स। प्रभु जी ने आज जो क्लास दी है उसमें उन्होंने डिस्कस किया हम भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं, भगवान की शरण में कैसे आ सकते हैं, और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आंसर किए जा रहे हैं। लेकिन आप अपनी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रभु जी लिस्ट में है कि हमारे शास्त्रों में दिया गया है कि रिनाउंस करना चाहिए भक्ति में, हाउ वी कैन लिव, ये लाइफ कैसे जी सकते हैं कि ऑटोमेटिकली वो बिना कुछ छोड़े भी, लेकिन हम ये रिनाउंसिएशन फॉलो कर सकते हैं। तो
इसका नेसेसिटी क्या है और इसका अल्टीमेट गोल क्या है? हरे कृष्ण, सारे योगा प्रोसेस का गोल है टू यू नो मेडिटेट कॉन्स्टेंटली ऑन लॉर्ड श्री कृष्ण। सो जो भी डिफरेंट तरह के योग प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कर्म योग है, अष्टांग योग है, ज्ञान योग है, ये सारे एंड भक्ति योग है, बुद्धि भक्ति योग को बुद्धि योग भी बोला जाता है बहुत सी बार, एंड डिवोशनल सर्विस, तो इस सबका एक ही पर्पस है दैट वी कॉन्स्टेंटली भगवान का स्मरण करें, भगवान की भक्ति में लगे रहें, भगवान की सेवा में लगे रहें टू प्लीज लॉर्ड श्री कृष्ण, राइट? सो दैट इज द पर्पस। एंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू के ऐसे में क्या करना है, हाँ, रिनन्सिएशन क्यों जरूरी है और उसका गोल क्या है? तो भक्ति इज वेरी सिंपल फॉर सिंपल माइंडेड एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर डिफिकल्ट माइंडेड पर्सन, सोफिस्टिकेटेड पर्सन। भक्ति के सबसे इजी प्रोसेस भी क्यों है, क्योंकि जब आप भक्ति में लगते हो अपने आप बाकी सारी चीज़ें छूट जाती हैं। अब जैसे आप एग्जांपल लीजिए, मैं राइट, सो फॉर एग्जांपल आई अंडरस्टैंड कि ये जो पेंसिल है, आई वांट टू गिव अप दिस पेंसिल, राइट? ये हमारी जो भौतिक जो हमारी कंडीशनिंग है, जो वेरियस संस्कारों से हैं, पिछले लाइफ के जो इम्प्रेशन हैं, उनसे जो है हम इसको छोड़ना चाहते हैं। लेकिन बाकी सारे प्रोसेस में आपको, जैसे ज्ञान योग के अंदर आपको बहुत सारा वेदांत वगैरह का स्टडी करना पड़ता है, उसको फिर अप्लाई करना पड़ता है, फिर बोलते हैं कि आप वो सारा प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको छोड़ोगे और फिर आप भगवान की शरण में जाओगे तो आपको फिर यहाँ पर प्रैक्टिस करनी होगी। इट्स अ टू स्टेप प्रोसेस। ऐसे ही अष्टांग योग में आपको यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार इस तरह से करते हुए समाधि तक जाते हैं, ये सारी प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं टू ड्रॉप दिस, अपने सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए। ज्ञान योग में आप अपने इंटेलिजेंस को कंट्रोल कर रहे हो टू कंट्रोल द माइंड। लेकिन भक्ति योग में क्या होता है, यू गिव अप योर फॉल्स ईगो। तो आप क्या करते हो उसमें, सिंपली आपका फोकस है कि आप भक्ति के लिए जा रहे हो, डिवोशनल सर्विस, जो आपकी एक्टिविटीज आप करते हो माइंड बॉडी एंड वर्ड से उस पर एंगेज होते हो। तो आप जैसे ही इस भक्ति को लेते हो, ऑटोमेटिकली भक्ति लेते ही आपका जो पुरानी आदतें हैं वो इजीली छूट जाती हैं। अ वेरी सिंपल एग्जांपल, सो इन दिस वे वी कैन टेक टू भक्ति विदाउट हैविंग टू गो थ्रू एनी अदर प्रोसेस, सो इट इज़ वेरी सिंपल। सो अपने आप ज्ञान और वैराग्य, ये दो जो हैं दे आर कंसिडर्ड लाइक सन्स ऑफ भक्ति, राइट? राधा रानी शी इज मदन मोहन मोहिनी, so by bhakti we can even attract Lord Shri Krishna, right? Because Lord Krishna he can attract Cupid, Madan, but bhakti जो है वो भगवान को भी attract कर लेती है। तो ऐसे में हम लोगों को जो त्याग होता है वो बहुत automatically easy हो जाता है हमारे life के लिए, और with proper knowledge, और ये जो knowledge है उसके लिए आपको ज़्यादा endeavor भी नहीं करना पड़ता, आप सीधे वो service कर रहे हो जो भगवान को खुश करती है, to please Lord Shri Krishna. हरे कृष्णा। सो आपने बताया कि हर चीज रिनन्सिएशन, त्याग, वैराग्य, ये सब हम में प्योरिफिकेशन लाते हैं और हम भक्ति के पाथ पे एडवांस कर सकते हैं, और आपने एग्जांपल के थ्रू भी समझाया। तो प्रभु जी, एक क्वेश्चन और अक्सर न्यू डिवोटीज पूछते हैं, एंगर से कैसे डील कर सकते हैं? क्रोध क्यों बुरा है भक्ति के पाथ पे? क्रोध कैसे हार्म कर सकता है और उसका इफेक्ट क्या होता है और उसे कैसे ओवरकम किया जा सकता है? भक्ति से कैसे हम क्रोध पे नियंत्रण कर सकते हैं? हरे कृष्णा, भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापा विदेनम इह वैरेण। सो जो लस्ट है उसके कारण एंगर अराइज करता है, राइट? So sometimes we have this attitude of accepting and rejecting, the mind plays this game. जैसे हमारे हाथों का हमेशा लेना देना इस एक्टिविटी में बिजी होता है, तो सिमिलरली our mind is constantly accepting and rejecting. और जब हमें अनफेवरेबल चीज आती है which we don't want to accept, because हमारे जो लस्ट है, हमारी जो लालसाएं हैं, हमारे जो काम इच्छाएं हैं to enjoy in this material world, to enjoy the senses, then अगर वो नहीं मिलता है तो हम एंग्री हो जाते हैं, राइट? एंड एंगर इज इन अ मोड ऑफ इग्नोरेंस, सो इट कैन हार्म अस, इट कैन ब्रिंग अस फर्दर डाउन। एंड
ऐसे में इट इज द डायर एनिमी. क्या है? लस्ट है. बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ लस्ट दैट वी आर फीलिंग दिस. एनवी and lust, these are all also very important that we should save ourselves. Lust, anger and greed, these three are the gates to hell. And jo baat hai, that is paved by pride, because we think that we are important. So again, we should be very very careful. Anger hai, ye mode of ignorance mein hai. It is arising because of lust, hamari kaam ichhao se आ रहा है. एंड इट causes us to get further down and make our life miserable now and also after this life. And then हम लोग को बहुत ही निम्न योनियों में, पाप योनियों में डाल देता है. एंड वी सफर फॉर eternity. सो दैट्स why इट इज वेरी डेंजरस, यू नो. एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल. एंड हाउ भक्ति हेल्प्स, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दैट भक्ति enables us to control the mind by understanding that we are not this false ego. We are actually Jivera Surupaya Krishna and Nitya Das. We are eternal servant of Lord Shri Krishna. And so we directly situate ourselves at the lotus feet of Lord Shri Krishna. And we understand the purpose, that the purpose of this life is to engage in devotional service, to Bhagwan ki bhakti mein lagna hamare life ka shreya hai. Laksh hai Bhagwan ka prem. Love of Godhead. तो हम जब भगवान से प्रेम करते हैं, then we achieve our goal, the purpose of this life. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तो प्रभु जी ने हमें बहुत अच्छी टिप्स बताई क्रोध या एंगर को कंट्रोल करने के लिए. हमें ये भी समझाया कि कैसे भक्ति के द्वारा हम इस तरीके के जो अनर्थ होते हैं, एंगर, ग्रीड, लस्ट, इन सब को चेक में रख सकते हैं और भक्ति के पाथ पे प्रोग्रेस कर सकते हैं. तो प्रभु जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम मटेरियल लाइफ के अगेंस्ट बात करते हैं, लेकिन हम ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, मॉडर्न गैजेट्स, जैसे आईफोन हो गया, टेप रिकॉर्डर्स, माइक्रोफोन्स और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं. तो इसको हम कैसे अंडरस्टैंड करें, क्योंकि ये सब मटेरियल चीज़ें हैं. तो ये भक्ति में इनका क्या, कैसे समझें इनको? माया मींस दैट व्हिच इज नॉट. So what is this maya, right? That which is not. This is delusion that we think ki jo bhi cheeze hame dikh rahi hai is bhautik jagat mein hamare enjoy ke liye hai. That is the delusion. In reality Bhagwan ne kaha hai, devi hi esha gurme mam maya durateya. So ye meri energy hai. So everything that we are seeing this material world are actually meant to please Lord Shri Krishna. It is for the pleasure of Lord Shri Krishna. Hum ye रिलेशनशिप भूल जाते हैं. इसके लिए आचार्य ने, दे हैव गिवन अ वेरी नाइस वर्स, दे हैव रिवील्ड अनासक्तस्य विषयम् यथारम् उपयुञ्जता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मच्यते. सो वी कैन अंडरस्टैंड रिनाउंसिएशन विद द प्रॉपर एस्पेक्ट, कि ये जो है ना अनासक्तस्य विषयम्, किसी और विषय पे फोकस करते हुए नहीं, यथारम उपयुंजता, भगवान की सर्विस में बाय फॉलोइंग द प्रीवियस आचार्य, जब हम एक्टिविटीज करते हैं निर्बंध कृष्ण संबंध, बाय नॉट रिलेटिंग विद आवर सेल्व्स बट एक्सेप्टिंग दैट एवरीथिंग हैज अ रिलेशनशिप विद लॉर्ड श्री कृष्ण. जो भी हमें मिलता है, हमारा शरीर, हमारे जो बिलोंगिंग्स है, एवरीथिंग शुड बी यूज टू प्लीज लॉर्ड कृष्ण. भगवान की भक्ति में, भगवान को खुश करने के लिए उनको यूज करना चाहिए. युक्त वैराग्य मच्यते, तो ऐसे में हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो बिल्कुल जनरल पर्सन की एक्टिविटीज होती है, राइट. अर्जुन जब युद्ध कर रहा था तो वही वॉज फाइटिंग लाइक एनी अदर योद्धा, बट ही वो क्यों जब लड़ रहा था, युद्ध कर रहा था, तो उस समय दैट वॉज टू प्लीज लॉर्ड श्री कृष्ण. नॉट एवरी वन वॉज हैविंग दैट माइंड सेट. सो यस, द माइंड सेट इज कम्प्लीटली एट डिफरेंट लेवल, राइट. सो इट इज ऑल अबाउट अ माइंड सेट, एज हाउ जो भी हम कर रहे हैं वो हम कैसे कर रहे हैं. भगवान कृष्ण कहते हैं, यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत, यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्वमदपरम. ही इज सेइंग यत करोषि, व्हाटएवर यू यदश्नासि यज्जुहोषि तदासि, व्हाटएवर यू ऑफर, व्हाटएवर यू गिव अवे, व्हाटएवर सैक्रिफाइसेस यू परफॉर्म, यत तपस्यसि कौन्तेय, जो भी ऑस्टेरिटीज, जो भी तप हम परफॉर्म करते हैं, दे शुड बी डन एज अ ऑफरिंग टू लॉर्ड श्री कृष्ण. देन आवर लाइफ बिकम्स सक्सेसफुल.
और ये जो मटेरियल चीजें हैं जब हम को भगवान के भक्ति में लगाते हैं, आईफोन हुआ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हुए, बुक्स हुए, दे आर कमिंग फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड, बट इन रिलेशनशिप विद लॉर्ड श्री कृष्ण. तो हम हर कोई बुक नहीं पढ़ते हैं, वी रीड बुक्स लाइक श्रीमद भागवतम, वी रीड भगवद गीता, वी रीड चैतन्य चरितामृत. सो इन दीज इनेबल अस टू कम क्लोज टू लॉर्ड श्री कृष्ण. वो भगवान से के संबंध में जब हम रखते हैं तो भक्ति का रूप ले देती है, वो ट्रांसेंड कर देती है, वो तीन गुण ऑफ जो तीन गुण हैं प्रकृति के उनमें नहीं काम की जाती है. हरे कृष्ण हरे कृष्णा. तो प्रभु जी ने बताया हर चीज़ जो हम अपनी लाइफ में देखते हैं उसको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, फिर वो भक्ति की एक्टिविटीज़ में आ जाती है और उसके कारण फिर हमें कोई सिंस नहीं लगते और ऑटोमेटिकली हमारी सारी एक्टिविटीज़ भगवान की सेवा में हो जाती हैं और भक्ति की कैटेगरी में हो जाती हैं. हरि बोल. वी हैव सम मोर फ्रेंड्स हु हैव जॉइंड और उनके बेनिफिट के लिए हम बता दें प्रभु जी इस वक्त आपके क्वेश्चंस आंसर कर रहे हैं. आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं एंड प्रभु जी उन क्वेश्चंस का आंसर देंगे. पूजा देवी अधिकारी, शिखा ठाकुर, शवलीन प्रकाश, सत्यनारायण सिखवाल, मनोज सारदा, सपना सिंह, चिरण, हरि बोल. प्रभु जी ने आज भागवतम क्लास दी जिसमें सरेंडर टॉपिक पे डिस्कस किया. प्रभु जी ने 10th कैंटो की एक बहुत ही फेमस वर्स एक्सप्लेन की. तो हम बात कर रहे हैं इस वक्त, डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन और आंसर्स में किस तरीके से हम भक्ति प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ पे. तो प्रभु जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जो डिवोटीज़ पूछते हैं भगवद्गीता रीडिंग के बाद थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए पूछते हैं कि कर्म योग और भक्ति योग में क्या डिफरेंस होता है. कैन यू एक्सप्लेन. योग मीन्स हम भगवान से कैसे संबंध भी कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं वो हम भगवान के प्रेषित के लिए कर रहे हैं. सो इन रियलिटी व्हेन वी डू कर्म योग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस व्हिच इट बिकम्स डिवोशनल सर्विस, बट इफ यू आर नॉट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस हम बस ये सोच रहे हैं कि हम ये कार्य कर रहे हैं क्योंकि हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, बट नॉट रियलाइजिंग वो बिकम दे बिकम मोर लाइक रिचुअल्स लाइक दोस एक्टिविटीज as things that we are just doing it without understanding कि हम लोग किस लिए कर रहे हैं, कि हमारे शुद्धि के लिए कर रहे हैं, कि हमारे जीवन के लिए कर रहे हैं. तो योग का तो मतलब ही यही है कि हम भगवान से कनेक्ट हुए कर रहे हैं. सो चैप्टर 3 में जैसे भगवान बताते हैं कि वट एवर एक्टिविटीज यू डू यू शुड डू इट एज एन ऑफरिंग. और भगवान ने चैप्टर 3 में बताया भी है कि ये जो भौतिक जगत है मटेरियल यूनिवर्स इसके अंदर पूरा अरेंजमेंट उन्होंने इस्टेब्लिश किया है, उन्होंने देवताओं को भेजा है ताकि मनुष्य जो भी मिलेगा हम लोग को जो भी अन्न मिलेगा जो भी फैसिलिटीज मिलेंगी हम वो देवताओं को ऑफर करेंगे थ्रू सेक्रीफाइसेस. एंड जब हम लोग देवताओं को ऑफर करेंगे सेक्रीफाइसेस तो टाइमली रेन्स होंगी और वो जो रेन्स होंगे उसके कारण अदर ग्रेन्स होंगे और जो ग्रेन होंगे वो हम लोगों को सस्टेन करेंगे जो फैसिलिटीज होंगी. और उन्होंने ये भी बताया कि जो बिना ऑफर करे खाता है जो फूड तो वो पाप होता है, राइट. एंड सो हम लोग सफर भी करते हैं. यज्ञ शिष्टा शिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते तो घम पापा ये पचंता आत्म कारण. सो अगेन ही इज आल्सो सेइंग के जो कर्म योग है जो उन्होंने अरेंजमेंट बताया प्रिस्क्राइब ड्यूटीज केवल हम प्रिस्क्राइब ड्यूटीज कर रहे जो हमारा स्वधर्म है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर राइट. चतुर्वर्ण महेशिष्ठ गुण कर्म विभागेश. तो भगवान बता रहे हैं कि जो चार वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जो चार वर्ण है ये गुण और कर्म के हिसाब से जन्म के हिसाब से नहीं बोला उन्होंने गुण और कर्म के हिसाब से. तो मोड ऑफ गुडनेस में सत्व गुण में है ब्राह्मण, रजोगुण में है क्षत्रिय एंड मिक्स ऑफ रजोगुण एंड तमोगुण में है वैश्य मर्केंटाइल एंड देन तमोगुण मोड ऑफ इग्नोरेंस में है शूद्र. सो दीज फोर वर्णस आर देयर एंड ईच वन ऑफ देम हैव प्रिस्क्राइब ड्यूटीज. सब लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज और प्रिस्क्राइब ड्यूटीज बताई गई हैं शास्त्रों में. तो जब ये प्रिस्क्राइब ड्यूटीज में लगते हैं जैसे वॉट काइंड ऑफ वर्क ब्राह्मण्स एंगेज इन देयर 8 कैटेगरीज हमने डिस्कस करी, क्षत्रियस में 7 कैटेगरीज, ऐसे ही वैश्य में 3 कैटेगरीज, शूद्रस में 2 कैटेगरीज. सो दीज आर टू बी कैरिड आउट बट देन इसके अंदर जब हम ये कैरी आउट करते हैं भगवान के प्रेषक लिए हमारे सनातन धर्म और स्वधर्म को बैलेंस करते हुए मेडिटेटिंग ऑन लॉर्ड श्री कृष्ण
देन वी ट्रांसेंड द थ्री मोड्स, तब हम भगवान की भक्ति में लग के तीन मोड से उठ के आध्यात्मिक स्तर पे जाके भगवान को खुश करने के लिए एक्टिविटी करते हैं, दैट इज डिवोशनल सर्विस. अदरवाइज व्हेन यू आर जस्ट कैरिंग आउट अ प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, इट इज कर्मयोग. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तो प्रभु जी ने कर्मयोग और भक्ति योग को रिलेट करते हुए एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस में हम भक्ति को अगर इंक्लूड करते हैं तो हमारी जो रेगुलर लाइफ के कर्म होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, वो भक्ति से कोट हो जाती हैं और फिर भक्ति योग हो जाती हैं. सो फ्रेंड्स, इस वक्त आई एम सीइंग सम मोर क्वेश्चंस. सोमला नायक, शिखा ठाकुर जी, आपके क्वेश्चन को अभी मैं रीड अलाउट करूंगी, प्रभु जी आंसर करेंगे. ललित नायक, एचपी हर्षित पॉल, हरे कृष्णा, आशीष तिवारी, कश्यप, विजय ठक्कर, श्रीनिवास, प्रिंस चंद, पूजा देवी, हरे कृष्णा. फ्रेंड्स, प्रभु जी अभी क्वेश्चंस आंसर कर रहे हैं. आपको अगर कुछ भी स्पिरिचुअल क्वेश्चंस हों तो कृपया उनको आप कमेंट्स में लिख दीजिए, आई विल रीड देम टू प्रभु जी. सो शिखा जी ने क्वेश्चन किया है, आई वॉन्ट टू आस्क भगवान मुझे गुरु रूप में कब मिलेंगे. सो आई थिंक ये क्वेश्चन सभी साधकों के मन में ये इंक्वायरी होती है जिन्होंने अभी तक गुरु की शरण नहीं ली है कि उन्हें गुरु कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे और इन्हें कैसे पता चलेगा. हरे कृष्ण. सो भगवान कृष्ण परमात्मा की तरह हमारे हृदय में है, राइट? तो उनको चैत्य गुरु भी कहा जाता है. तो पहले हमें भगवान की शरण लेनी पड़ती है, तो उसके लिए प्रिस्क्राइब प्रोसेस शास्त्रों में दिया हुआ है, वी शुड टेक टू द चैंटिंग ऑफ द होली नेम. एंड चैंटिंग इज, यू नो, वी शुड आल्सो लुक एट द फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स विद चैंटिंग, बिकॉज देन द चैंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो द व्हाट आर द फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स? नो मीट ईटिंग, इंक्लूडिंग नो यू नो फिश, एग्स, अनियन, गार्लिक. देन सेकेंड वन इज no intoxication, including no tea, no coffee. Third one is no illicit sex, you know, staying within the marriage. And fourth one is no gambling. And sometimes, you know, when we go into the stock market and engage there, that's also part of gambling. So we should try to refrain from this and take to the chanting of the holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम हरे हरे. और जो हम चैंट करते हैं प्रेयरफुल मोड, ऐसे भगवान को प्रार्थना करते हुए कि भगवान प्लीज मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, वी शुड सीक अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, कि मेरे को प्लीज बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर जो कि परंपरा में हो, राइट? फोर डिसिप्लिन सक्सेशन आ गए. रुद्र संप्रदाय इज कमिंग फ्रॉम लॉर्ड शिवा, श्री संप्रदाय इज कमिंग फ्रॉम गॉडेस लक्ष्मी, एंड Kumar Sampradaya is coming for the four Kumaras, the sons of Lord Brahma. And then Brahma Sampradaya is coming from Lord Brahma. So, these four Sampradaya, which appear, and we should constantly hear from others the glories of Lord Shri Krishna, you know, the glories of his devotees. And this page, which is Bhagavad Gita page, there are so many wonderful speakers. They're all coming, they're all glorifying Lord Shri Krishna. So, they become like Shiksha Guru, the instructing spiritual masters. And we should take, you know, path darshan. So they are also giving us direction what to take. So again, we should constantly hear. Shravanam is very important. Even when we are chanting, sometimes people are chanting and not paying attention to hearing. It's a complete process. When we chant, we must hear. जो हम जो जप कर रहे होते हैं तो उसको सुनते हैं, तो हमारे कानों के थ्रू भगवान के जो नाम आते हैं वो हमारे हृदय में जाते हैं, तो चेतु दर्पण माजुम, तो हमारा हृदय साफ होता है, हम अपने आप को अच्छी तरह देख सकते हैं. और भगवान से जो प्रेयरफुल मोड से हम बोलते हैं कि भगवान प्लीज गिव, यू नो, प्रोवाइड मी डायरेक्शन कि मुझे कैसे गुरु मिले, भगवान अपने आप प्रोवाइड करते हैं, एज द टाइम इज राइट, कि आचार्य ने अगेन एंड अगेन रिवील किया है. हरे कृष्णा. होपफुली दिस आंसर्स योर क्वेश्चन. सो प्रश्न का उत्तर है, हरे कृष्णा. सो प्रभु जी ने भी आंसर बताया कि जेन्युइन गुरु कैसे मिल सकता है, कब मिल सकता है. तो अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस हमें हमेशा भगवान जो कि परमात्मा की तरह हमारे हृदय में हैं उनसे प्रे करना चाहिए, उन्हीं से हमें डायरेक्शंस मिलेंगी. और प्रेयर्स को अप्रोप्रिएट मूड में करने के लिए हमें अटेंटिवली करना चाहिए. जब हम चैंटिंग करते हैं हरे कृष्णा महामंत्र की, तो हमें उसे अटेंटिवली सुनना चाहिए, रियलाइज़ करना चाहिए, ताकि
इवेंचुअली हमें भगवान की डायरेक्शंस मिलेंगी और समझ में आएंगी। हरे कृष्णा। सो प्रभु जी, सिंस हम गुरु टॉपिक पे आए हैं तो इस पे एक और क्वेश्चन, फॉलोअप क्वेश्चन लोग पूछते हैं, और वो ये पूछते हैं कि ये कैसे पता चले कि जेन्युइन गुरु, आजकल इतने गुरु हैं तो जेन्युइन गुरु कौन सा है, ये कैसे पता चले अदर देन कि वो परंपरा में है, उसके अलावा और क्या चीज़ें लुकआउट करना चाहिए लोगों को टू फाइंड आउट कि कौन सा गुरु उनके लिए है। हरे कृष्ण। सो स्पिरिचुअल मास्टर से आल्सो रेफर्ड टू एज आचार्य, तो उनका आचरण कैसा है, यही नहीं है कि स्पिरिचुअल मास्टर अपने एस्पायरिंग जो डिसाइपल हैं, जो उनके भक्त बनना चाहते हैं, जो उनके भगवान के भक्त बनना चाहते हैं, जो उनकी शरण लेना चाहते हैं, उनको ही एग्जामिन करते हैं। हमें स्पिरिचुअल मास्टर को भी देखना चाहिए, उनका आचरण देखना चाहिए कि वो अपने आप को कैसे शो कर रहे हैं। इज ही शोइंग दैट ही इज गॉड और इज अ सर्वेंट ऑफ गॉड? बिकॉज श्रीला प्रभुपाद सेड दैट इफ द स्पिरिचुअल मास्टर सेड और इवन पीपल सेड दैट ही इज गॉड, देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट ही इज डॉग। एक्चुअली स्पिरिचुअल मास्टर इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण एंड ही इज ऑलवेज कॉलिंग हिमसेल्फ सर्वेंट। वो भगवान का अपने आप को सेवक बता रहे हैं, भगवान की सेवा में लगे होते हैं, हमको इंस्पायर करते हैं अपनी एग्जाम्पल दिखा के कि ऐसे भगवान की पूजा करो, ऐसे भगवान की सेवा करो, ऐसे भगवान से प्रार्थना करो, इस तरह से भक्ति में लीन हो। हमें भक्ति में कैसे अपने आप को योग्य बनाना है, कैसे भगवान के चरणों में अपने आप को उभारना है, उसके हमें डायरेक्शन देते हैं। यू नो चक्षु दीक्षा इज ऑल्सो, यू नो वी गेट द हायर टेस्ट बट ऑल्सो वी गेट द हायर विजन, परम दृष्टवा निवर्तते, देन वी गेट to see at a different level, our vision is corrected and हम समझते हैं अपने आप को अच्छी तरह से, समझ के हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, love of God। हरे कृष्णा। so प्रभु जी ने अभी बताया genuine गुरु अपने लिए कौन सा गुरु है जिसको हम सेवा करें या अपने स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए जिनकी यू नो जिनको फॉलो कर सकें, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ चीज़ें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम भगवान परमात्मा जो हमारे हृदय में, उनसे प्रे कर सकते हैं, और उसके बाद इतने गुरु परंपरा में हैं, इस्कॉन में हैं, हम जाके जिनके लेक्चर्स में या जिनकी एक्टिविटीज़ में हमें इंटरेस्ट आता है, उनको जाके हमें हम्बली सर्व करना चाहिए, और इससे हमें फर्दर रिवील होगा कि विच गुरु इज़ फॉर अस। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी, एक और सब्जेक्ट के बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि जब ये भक्ति की लाइफ कोई बहुत एंथुसियास्टिकली फॉलो करना चाहता है लेकिन उसकी फैमिली वाले अभी डिवोटीज नहीं हैं या सपोर्टिव नहीं हैं, और ऐसे में यू नो स्पाउस भी होता है, बच्चे भी होते हैं जो कि अपनी अपनी मटेरियल लाइफ में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, और तो ऐसे में पूरे परिवार को हम कैसे इंस्पायर कर सकते हैं भक्ति के लिए? हरे कृष्णा। बहुत ही सिंपल प्रोसेसेस बताए हैं श्रील प्रभुपाद ने। पहले तो हमें उनके लिए प्रे करना चाहिए, और फिर दूसरा हम लोगों को ये बताना चाहिए कि दिस इज डन जॉयफुली, प्रीति पूर्वक और आनंदमय तरीके से करें, और उनको खूब सारा प्रसाद देना चाहिए, बिकॉज भगवान का प्रसाद इज ट्रांसडेंटल, इज मैजिकल, इट्स मिरेकुलस, इट डज मिरेकल्स। तो जब हम देखते दिखाते हैं, हम अपना शेयर करते हैं एक्सपीरियंसेस, वंडरफुल एक्सपीरियंसेस, जब भगवान का प्रसाद वो लोग खाते हैं, ऑटोमेटिकली दे एलिवेट अप, दे ऑटोमेटिकली कम आउट ऑफ देयर मोड्स ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ गुडनेस। इवन मोड ऑफ गुडनेस इज अ मटेरियल मोड, राइट? इट इज ऑल्सो बाइंडिंग, गुड है, गुड मीन्स रोप्स। तो ऐसे में वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब भगवान का प्रसाद हम देंगे तो अपने आप वो आएंगे, और उसके अलावा हमें अपनी तरफ से प्रेयर भी करना चाहिए फॉर देम, राइट? फॉर आवर चिल्ड्रन, फॉर आवर स्पाउस, फॉर आवर फैमिली मेम्बर्स, फॉर आवर रिलेटिव्स। वी कैन ऑलवेज प्रे टू द लॉर्ड, एंड लॉर्ड ही इज़ वेरी मर्सीफुल, वो बहुत ही मर्सीफुल है, बहुत ही करुणामय है, तो वो हमारी प्रेयर्स को एक्सेप्ट करके उनको डायरेक्शन दिखा सकते हैं। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने बताया अपने परिवार, अपने फैमिली को भक्ति में एंकरेज करने के लिए हम लोग कुछ चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले हम उनके लिए प्रे कर सकते हैं।
उसके बाद हम उनको बहुत ही डिलिशियस प्रसादम खिला सकते हैं, क्योंकि प्रसाद जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है और उससे हमारी कॉन्शियसनेस ट्रांसफॉर्म हो जाती है और हम अपनी फैमिली के साथ भक्ति की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जॉयफुली, एंथुजियाज़म और जॉय के साथ करना चाहिए, तो उससे सबका इंटरेस्ट कल्टिवेट होता है। हरे कृष्णा, देर आर फ्यू मोर क्वेश्चंस प्रभु जी, हमारे पास 5-10 मिनट हैं। ठीक है, तो प्रभु जी हमारे कुछ क्वेश्चंस आंसर कर रहे हैं, भक्ति से रिलेटेड, स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड। फ्रेंड्स जो अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो प्लीज़ उनको कमेंट में टाइप कर दीजिए एंड आई विल रीड देम टू प्रभु जी। प्रभु जी आंसर कर रहे हैं आपके स्पिरिचुअल क्वेश्चंस। मौमिता घोषाल, तुलाशा शर्मा, हरोल लालधारी, ठाकुर विकल, सहका दास, आकाश अरोड़ा, अंतरा अमरेंद्र, शिखा ठाकुर जी, थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको आंसर मिल गया है। हरे कृष्णा। संजय नकरानी, विकास शर्मा, खुशबू कुमारी, हरी बोल, दीपाली तायदे, ललित नायक, सोमला नायक, देर आर मैनी मोर फ्रेंड्स, हमने जिनका नाम नहीं लिया आप सभी का अभिनंदन है। संगीता बंसल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं प्रभु जी। तो बहुत से फ्रेंड्स ये पूछते हैं कि अब जैसे कल एकादशी थी, तो ये भक्ति में इंटरेस्टेड हैं, इनको एंथुसियाज्म है, लेकिन इन्हें फास्टिंग व्रत वगैरह करने का डिटर्मिनेशन नहीं है, ये सब उसकी महिमा समझते हैं और ये भगवान की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन इनसे फास्टिंग या व्रत नहीं रखा जाता, तो ऐसे में क्या इनको भगवान की शरण मिलेगी, क्या भगवान इनकी सेवा से खुश होंगे? हरे कृष्णा। एक्चुअली एकादशी फास्टिंग के बहुत डिफरेंट डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस हैं, एंड अगर इट्स अ वेरी सिंपल, अगेन डिवोशनल सर्विस इज सिंपल फॉर सिंपल माइंडेड एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर कॉम्प्लिकेटेड माइंडेड पर्सन, राइट। इसके अंदर जब भगवान ने हम लोगों को, जीवों को देखा कि हम लोग किस तरह से हेल में, नरक में, यू नो त्रस्त हैं, जिस तरह से हमें पनिशमेंट मिल रही है, तो उस समय वी बिकेम मोर कंपैशनेट, राइट। दिस इज द मूड ऑफ राधा रानी, एंड उस समय उन्होंने राधा रानी एकादशी देवी के रिक्वेस्ट से, इज एन एक्सपेंशन ऑफ राधा रानी, मर्सी ऑफ राधा रानी, तो उन्होंने इस दिन के लिए उन्होंने कहा कि पाप में हर जगह से हटा दूंगा, तो पाप ने कहा अगर आप इस दिन हर जगह से मुझे हटा देंगे तो फिर मैं कहाँ रहूँगा, मैं आपकी शरण में हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, इस दिन तुम अन्न में रह सकते हो, राइट, इन ग्रेन्स, तो ग्रेन नहीं खाते हैं, तो ऐसे में हम ग्रेन के अलावा बहुत सारे वंडरफुल एलिमेंट्स हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं, जैसे किनवा हुआ, सामू हुआ, आप दूध की बहुत सारी प्रिपरेशंस कर सकते हैं, योगर्ट की प्रिपरेशंस कर सकते हैं, बस आपको अन्न नहीं खाना है, चावल नहीं लेना है, गेहूँ नहीं लेना है, कॉर्न नहीं लेना है, इस तरह के जो अन्न की कैटेगरीज हैं उनसे परहेज करना है, उनको नहीं खाना है, और आप आराम से सुबह दोपहर शाम खाइए, भगवान की भक्ति में जरूर लगिए, भगवान के पास, भगवान के, यू नो, एंड एंगेज इन द चैंटिंग ऑफ द होली नेम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दो चीजों का ध्यान रखिए, भगवान की भक्ति में उनसे प्रे करिए, और दूसरा व्हाट द हेक इफेक्ट नहीं आने दीजिए कि गलती से कुछ खा लिया तो अरे हमारे अब तो एकादशी खत्म हो गई, हम अब कुछ भी खा सकते हैं, वो नहीं आने दीजिए कि व्हाट द हेक आई डिड दिस, नाउ आई कैन, यू नो, आई डोंट हैव टू मेंटेन, क्योंकि भगवान बहुत दयालु है, वो छोटी मोटी गलतियाँ माफ़ कर देते हैं, आप उसके बाद में अपने आप को करेक्ट करिए, उसके बाद में और पाप जैसी चीज़ें, यू नो, अगेन अन्न नहीं लीजिए क्योंकि उसमें पाप होता है इस दिन। हरे कृष्णा। सो प्रभु जी हमारे क्वेश्चंस आंसर कर रहे हैं, आज उन्होंने क्लास दी है श्रीमद् भागवतम की सरेंडर या शरणागति के टॉपिक पर, और प्रभु जी हमारे स्पिरिचुअल क्वेश्चंस आंसर कर रहे हैं। पुष्पा महर, हरे कृष्णा, मनमोहन सोनी, नायरू बाबू, संगीता बंसाई, मौमिता घोषाल, हरे कृष्णा फ्रेंड्स, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, अभी कुछ मिनट्स बचे हैं, प्रभु आपके क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं। सो प्रभु जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवोटीज पूछते हैं कि ये सब जो भक्ति के पाथ में भगवान की प्रेयर्स करना, हरे कृष्णा चैंटिंग करना, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करना, इनसे ग्रेजुअल प्रोग्रेस होती है, लेकिन
दान वगैरह चैरिटी करने के बारे में क्या कहा गया है, क्योंकि दिसंबर में गीता जयंती के अवसर पर काफ़ी ये सब टॉक्स हुई थी कि शास्त्र दान की बहुत महिमा है, तो ऐसे में थोड़ा कभी कन्फ्यूजन होता है कि गरीबों को खाना खिलाया जाए, गरीबों के स्कूलिंग के लिए मदद किया जाए, या भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट की जाए, या मंदिर में दान दिया जाए, या मंदिर के कंस्ट्रक्शन में दान दिया, तो क्या किया जा सकता है जिससे कि हमारी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हो और हमारा भक्ति में भी इंटरेस्ट बना रहे। हरे कृष्ण, भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं यज्ञ दान तप ये किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज ये प्योरीफाई करता है इवन प्योर सोर्स, राइट? सैक्रिफाइस ऑस्टेरिटी एंड चैरिटी शुड नेवर बी गिवन अप, यज्ञ दान तप हमेशा करते रहना चाहिए। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमें अगर शास्त्र दान करना है तो हम श्रीमद् भागवत को शरद पूर्णिमा पे ही करें या फिर गीता जयंती पे ही भगवद गीता को डिस्ट्रीब्यूट करें। नो, एक्चुअली इसको कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, बिकॉज जो मिजरीज ऑफ लाइफ वो केवल इन दो समय पे नहीं रुक जाती हैं, वो कॉन्स्टेंटली गोई है। तो एवरी मोमेंट, इसलिए भगवान कहते हैं कि we should constantly engage in serving him, we should constantly engage in preaching, we should constantly be distributing books, we should constantly be reading books and studying them for our benefit. So study of the book is very important, right? And this is very useful for our advancement and advancement of everyone around us. So yagya hamesha, and then yagya of this age is sankirtan yagya. So that is chanting of the holy name, the congregational chanting. So we should get together with devotees and we should chant, we should do bhajan, and even the glorification, reading Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam comes in that category, kirtan. And another aspect is austerity. Austerity is maintaining, observing the four regulative principles. That's austerity. It purifies our existence, it spiritualizes us. The whole program of Krishna consciousness is to get spiritual body. So हम लोगों को जो भौतिक शरीर मिला है उसको हम आध्यात्मिक कैसे बनाते हैं, हमारे इंटेलिजेंस, मेमोरी, एक्सिस्टेंस, हमारे माइंड को भगवान में जो लीन करते हैं, एंड जिस तरह से हमने बताया श्री प्रभुपाद ने खुद इंस्ट्रक्शन दिया है कि वी शुड वेलकम लॉर्ड इन आवर हार्ट, जस्ट क्लोज योर आईज एंड एस्टैब्लिश अ वंडरफुल थ्रोन एंड वेलकम लॉर्ड एंड टेक हिज इंस्ट्रक्शंस टू द हार्ट, रीड भगवद गीता ऑन अ डेली बेसिस, read Srimad Bhagavatam on a daily basis. These are wonderful books for our enlightenment. These have been, Srila Prabhupada, he, stayed awake long nights to write these books for our benefit. So, in full study, can I say, we can perfect our life. Hare Krishna. And charity is constantly should be done in various efforts. जहाँ पे भी आपका इंटरेस्ट हो, देर आर सो मेनी इन्यूमरेबल प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन, यू कैन कंट्रीब्यूट टू एनीवन। भगवान कृष्ण कहते हैं सर्व कर्म फल त्यागम त्याग शांतिरनंतरम, सो वी कैन ऑलवेज गिव द फ्रूट्स ऑफ आर लेबर दैट फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स विच आर गौ रक्षा के प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे हैं, बच्चों को जब प्रसाद बांटते हैं तो उनसे वेरियस स्कूल्स पे, राइट, devotees, they distribute prasad and they're constantly looking for donation. So we can be charitable there. Gaur Raksha ke liye charity kar sakte hain. Very various projects are there. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने दान या चैरिटी के बारे में इंसाइट्स दिए, उन्होंने बताया कि हम अगर इस तरीके का दान देते हैं जिससे हम दूसरों को भगवान के पास ला सकें, वो बेस्ट दान है, जैसे कि भगवद गीता का डिस्ट्रीब्यूशन, काउ सेवा में दान देना, प्रसाद, लोगों को प्रसाद वितरण हो उसका दान देना, तो ये इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं। बट मेन थिंग प्रभु जी ने बताई जो कि भगवद गीता में दी हुई है कि दान करने से हमारी कॉन्शियसनेस और हमारा लाइफ प्यूरिफाई होती है, जिसके कारण हम भगवान को भी प्लीज करते हैं और स्पिरिचुअल एडवांसमेंट भी करते हैं। हरे कृष्णा। आर देयर एनी मोर क्वेश्चंस फ्रेंड्स? वी विल गिव इट वन मोर मिनट बिफोर एंडिंग द सेशन। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों आप अभी यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। हरी बोल, हरे कृष्णा। वन लास्ट क्वेश्चन प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो जो अगला लास्ट
जो कि क्वेश्चन है प्रभु जी, और आपने आज सरेंडर या शरणागति टॉपिक पे क्लास दी, तो इससे इस क्लास का फॉलो अप क्वेश्चन है वो ये है कि सरेंडर के प्रोसेस को समझने के बाद, भक्ति की नॉलेज लेने के बाद भी अगर कोई पर्सन को याद नहीं रहता है, यानी कि जब तक लेक्चर सुन रहे हैं, जब तक मंदिर में हैं, यू नो श्रद्धा है, और मंदिर से बाहर निकलते ही फिर अपनी लाइफ में सब बिजी हो जाते हैं और भूल जाते हैं इन टीचिंग्स को, तो उसके लिए क्या हेल्पफुल है, क्या किया जा सकता है? टू सिंपल टिप्स। फर्स्ट इज प्लीज कंटिन्यू टू चैंट, भगवान का जप करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का जितना ज्यादा हो सके स्मरण करिए, और जो भी आप फूड स्टफ प्रिपेयर करते हैं, जो भी आप यू नो ब्रेकफास्ट लंच डिनर के लिए जो भी बनाते हैं, मेक इट यू नो सात्विक एंड मेक एन ऑफरिंग इट, यू नो ऑफर इट टू लॉर्ड श्री कृष्ण। भगवान को बहुत ही सिंपल तरीके से ऑफर कर सकते हैं। और जो फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस है, दैट इज द नेक्स्ट सर्च, विच इज इवन अ नियोफाइट कैन एक्सपीरियंस। भगवान का प्रेम का अभाव हो सकता है, भगवान उसाई को एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप भगवान के प्रेम को, जब आप इन फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस में रखते हैं। कौन सी हैं? रीडिंग श्रीमद् भागवतम, राइट, यू नो रीडिंग हियरिंग ग्लोरीफाइंग श्रीमद् भागवतम, सो दिस इज फर्स्ट वन। देन सेकेंड वन इज चैंटिंग ऑफ द होली नेम। थर्ड इज रिसाइडिंग एट अ धाम। इफ यू हैव श्रीमद् भागवतम, इफ यू हैव नॉट रिसीव वन, देन यू शुड गेट वन। श्रीमद् भागवतम को आप जरूर लाइए, बिकॉज ये भगवान का लिटरेरी इंकार्नेशन, भगवान का साहित्य के फॉर्म में इंकार्नेशन है, साहित्य के रूप में, और इससे इसको प्रेजेंस से ही आपका घर धाम बन जाता है। और उसके बाद में है स्टेइंग एट अ धाम डिवोटी एसोसिएशन, सो अगेन दैट इज पैरामाउंट, और भक्ति में लगी। ऑफ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाय एंगेज इन वर्शिप ऑफ द डीटीज। एंड भगवान कहते हैं कि जो भी भगवद गीता पढ़ता है, श्रीमद् भागवतम पढ़ता है, चैतन्य भगवद गीता पढ़ने में उन्होंने एक वर्स में क्लियरली बताया है कि द पर्सन इज वर्शिपिंग मी बाय हिज इंटेलिजेंस। सो हम भगवान को अपनी बुद्धि से हम उनको पूजा कर रहे हैं, और इसीलिए भक्ति योग को बुद्धि योग से भी रिफर किया गया है, बिकॉज वी आर यूजिंग आर इंटेलिजेंस, वी डोंट सरेंडर आर इंटेलिजेंस एंड बिकम डम, नो, वी एक्चुअली आवर इंटेलिजेंस बिकम शार्प in devotional service, and that's why devotees are said to be very clever, Hare Krishna, and because they have understood the right process, the easiest process and the best process, and that will make our life perfect. हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने बताया हम हमेशा भगवान को कैसे याद रख सकते हैं। पूरी टीचिंग्स पढ़ने के बाद भी, समझने के बाद भी अगर हम भूल जाते हैं, जब हम बाकी अपने डेली एक्टिविटीज़ में बिजी हों, तो हम हमेशा ये चीज़ें फाइव पोटेंट फॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस याद रख सकते हैं, जिसके कारण वी कैन डेवलप, हम ग्रेजुअली डेवलप कर सकते हैं कि भगवान हमारे एटर्नल वेलविशर हैं, हम भगवान के प्रोटेक्शन में हैं। और जो आज सरेंडर का भी टॉपिक था, और वो फाइव फॉर्म्स हैं, हमें श्रीमद् भागवतम भगवद गीता जैसे शास्त्र पढ़ने चाहिए, उससे हमारा फेथ बढ़ता है, हमें डीटी वर्शिप भी करनी चाहिए, हमें चैंटिंग करना चाहिए जो कि प्रेयर है, प्रेयर्स करना चाहिए, हमें डिवोटी एसोसिएशन लेना चाहिए, हमें साधु संतों का और डिवोटीज़ की सेवा करनी चाहिए, और पांचवा पॉइंट था होली धाम में विजिट करना चाहिए, रहना चाहिए, या फिर अपने घर को ही होली धाम बना सकते हैं, वृंदावन एटमॉस्फेयर घर पे ही बना सकते हैं, अगर जहाँ पर भागवतम की रीडिंग हो और भगवान की महिमा हो, भगवान की लीलाएं हो, जिसकी चर्चा हो और चैंटिंग हो, तो वो खुद ही वृंदावन बन जाता है। तो इन सब एक्टिविटीज़, भक्ति की एक्टिविटीज़ को करने से हम स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करेंगे, और हमें भगवान की रिमेम्बरेंस ज़्यादा रहेगी, और हम भगवान को अपने पास फील करेंगे। हरे कृष्णा। वेरी सिंपल, एक तो यह है कि जो भी भोजन तैयार करें, सात्विक भाव से तैयार करें, और भगवान को ऑफर करें, एंड कांस्टेंट चैंटिंग ऑफ द होली नेम। हरे कृष्णा। तो इसमें प्राइम है, भगवान को भोगा लगाइए, सब लोग प्रसाद खाइए, और हमेशा जप करिए, भगवान का होली नेम्स चैंट करिए। लता सत्यनारायण, सवित्री घेमराज,
ईशिका नागपाल, डॉक्टर नीता कुमारी, हरे कृष्णा, जजाति बल, विजय कलथिल, हरी बोल, जपती, प्रकाश दलाल, हरे कृष्णा फ्रेंड्स। अब हमें आज्ञा दीजिए, ये सेशन यहाँ पर एंड होता है। हरे कृष्णा। मंत्रा श्रीमद्भागवतम की जय। शिला प्रभुपाद की जय। शिला भगवतपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।